Hi, this is Tejoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really, really great. And in this particular class, we are going to cover chapter number 14, questions of SM for CA final audit. इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम ऑडिट ऑफ बैंक्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। दो यूनिट आपके चैप्टर नंबर 14 के अंदर, एक बैंक और दूसरा एनबीएफसी। जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर वी विल कवर ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटिंग टू ऑडिट एंड एनी अदर काइंड ऑफ वीडियोज दैट मे हेल्प यू टू प्रिपेयर योर एग्जाम्स इन अ बेटर वे। So let's start. Question number 1 from test your understanding. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपके ऑडिट ऑफ बैंक की अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे यूज होगी। अगर आप क्वेश्चन का साइज देखोगे, क्वेश्चन का साइज बड़े ही यहाँ पे आप भले ही आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आंसर उतना ही सिंपल है। एक आपको सिंपल सा क्रक्स पता होना चाहिए और आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। क्वेश्चन कहता है कि सीए हर्षित है जो कंडक्ट कर रहा है स्टैचुरी ऑडिट ऑफ अ ब्रांच। ये ब्रांच किसकी है? किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच है। एंड सीए हर्षित जब अपनी ऑडिट कर रहा था तो ऑडिट के दौरान उसने एग्जामिन करना शुरू किया 20 बड़े लोन के अकाउंट को, मतलब 20 लार्ज एडवांसेस ऑफ द ब्रांच। और उन 20 अकाउंट में से आपके सीए को 5 ऐसे एडवांसेस मिले जहां पे लोन एप्लीकेशन हैव बीन फिल्ड स्कैंटली विद द इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेफ्ट आउट। जहां पे जब ये बोरोवर आपके बैंक से लोन मांगने के लिए आए तो जो इन्होंने लोन एप्लीकेशन फिल की हुई थी उन एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिसिंग थी, राइट। इन दिस केसेस, यहां पर इन्हीं केसेस के अंदर इट इज ऑल्सो नोटिस दैट आपके सीए ने नोटिस किया कि इन बोरोवर्स को सीसी लिमिट प्रोवाइड की हुई थी बैंक ने। कहते हैं कैश क्रेडिट लिमिट टू द बोरोवर्स वर एनहेंस्ड, और ये जो सीसी लिमिट थी इनके पास, इनको एनहेंस किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन बट देर आर नो रिकॉर्ड्स प्रटेनिंग टू द असेसमेंट ऑफ एनहेंस्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव बोरोवर फाइल्स। लेकिन जब आपके सीए ने बोरोवर्स की फाइल्स मंगवाई बैंक के ऑफिशियल्स से, तो उस बोरोवर की फाइल्स के अंदर किस बेसिस पे इस सीसी लिमिट को एनहेंस किया गया उसके रिलेशन में कोई भी वर्किंग्स अवेलेबल नहीं थी। ब्रांच इज ऑल्सो अनेबल टू शो सच एन असेसमेंट वर्किंग इन द सिस्टम आइदर। और आपकी ब्रांच ऑडिटर को इस क्रेडिट लिमिट को किस बेसिस पे एनहेंस किया गया इसके रिलेटेड असेसमेंट वर्किंग्स अपने सिस्टम में भी शो नहीं कर पाई। तो अगर तुम ऊपर वाले सिनेरियो को देखोगे ना, यहाँ पे तुम्हें एक चीज तो समझ में आ रही है क्या, कि जो कंट्रोल्स हैं आपके बैंक के ओवर द एडवांसेस इस एरिया के अंदर, उन कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसी है, वो कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। क्वेश्चन आगे आपको बताता है दैट हाउएवर इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये 5 के 5 अकाउंट आर ऑपरेटिंग सेटिस्फैक्ट्रीली। मतलब यहाँ पे प्रॉपर वे से इंटरेस्ट आपका सर्व हो रहा होगा, एवरी थिंग इज सेटिस्फैक्ट्री इन दीज अकाउंट्स। जिस बेसिस पे आपकी ब्रांच ने इन अकाउंट्स को क्या क्लासिफाई किया हुआ है, स्टैंडर्ड एसेट। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि आपने ऊपर गिवन के सिनेरियो को पढ़ा, वुड द अबव इंफॉर्मेशन प्रमोट ऑडिटर टू सजेस्ट। क्या इस अबव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके ऑडिटर को, ब्रांच को ये सजेस्ट करना चाहिए कि ये जो एसेट क्लासिफिकेशन है आपके इन ऊपर वाले अकाउंट्स के अंदर, आपकी ब्रांच को इसको दोबारा से क्लासिफाई करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। मतलब क्या, आपकी ब्रांच कह रही है कि सब कुछ सही है, स्टैंडर्ड है ये एसेट, क्या अब आपके ऑडिटर को ब्रांच के ऑफिशियल्स को बोलना चाहिए कि आप इसको क्लासिफाई कर दो एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। व्हाट डज डिपेक्टेड सिचुएशन रिफ्लेक्ट। और इसके साथ साथ आप ये भी बताओ कि इस गिवन सिनेरियो से आपको क्या पता लग रहा है। तो पहली चीज कि यहां पे अगर इन अकाउंट्स की ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, दीज अकाउंट्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो इनको एनपीए क्लासिफाई करने का तो कोई यहां पे लॉजिक नहीं बनता है। तो ब्रांच की जो क्लासिफिकेशन है कि इन एसेट को स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई किया गया है, तो ब्रांच की क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही है, राइट। तो मतलब ऑडिटर इसकी क्लासिफिकेशन को चेंज करने की सजेशन नहीं देगा। दूसरा, ये गिवन सजेशन क्या शो कर रही है, ये भी मैंने आपको बताया कि बैंक के जो कंट्रोल्स हैं इन द एरिया ऑफ एडवांसेस, दोज कंट्रोल्स आर नॉट गुड कंट्रोल्स, वो डेफिशिएंसी है उन कंट्रोल्स के अंदर। तो आप ब्रांच के ऑडिटर हो तो जब आपका ऑडिटर अपनी एल एफ ए आर बनाएगा वहां पर इसको पॉइंट आउट करेगा, राइट।
तो कहता है एन अकाउंट बिकम एनपी. तो इसने क्या बताया कि आपका बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किसी भी अकाउंट को एनपी कब घोषित करता है. कहता है एन अकाउंट बिकम्स एनपी जब वो बैंक के लिए इनकम को जनरेट करना बंद कर देता है. मतलब जब उसके ऊपर इंटरेस्ट ओवरड्यू हो जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज तभी बैंक के लिए इनकम वहां पे जनरेट होना बंद हो जाती है. तो कहता है एक अकाउंट को आप एनपी तब क्लासिफाई करते हो जब व्हेन इट सीज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक इन दिस गिवन सिचुएशन. पता नहीं क्या हो रहा है यार. In this given situation, इस गिवन सिचुएशन में क्या हो रहा है ऑल दी एग्जामिन्ड फाइव अकाउंट्स दे आर ऑपरेटिंग सेटिस्फैक्टरीली. यहां पर सब कुछ सही है तो इन अकाउंट्स को तुम इनको तुम एनपीए क्लासीफाई करो. जो इनकी स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है उसको तुम चेंज करो. इसका कोई भी क्वेश्चन यहां पर राइज नहीं होता. द मैटर ऑफ स्केंटली फिलिंग अप द लोन एप्लीकेशन. जो इसने ऊपर गिवन सिनेरियो में क्या बताया कि जब भी इन अकाउंट्स के रिलेशन में आपने लोन की एप्लीकेशन फिल करी तो वहां पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे जो मिसिंग थी एंड कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है बैंक के पास रिलेटिंग टू द असेसमेंट और वर्किंग ऑफ द एनहेंसमेंट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ये क्या शो करता है, ये क्या डिपिक्ट करता है. इट शोज की इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द एडवांसेस. तो इस एडवांस के एरिया में जो बैंक के कंट्रोल्स है वो प्रॉपर नहीं है, उनके अंदर डेफिशिएंसी है एंड ये अबव सिचुएशन शो करती है क्रेडिट अप्रेजल एट ब्रांच लेवल. इसके अंदर डेफिशिएंसी और ऑडिटर ब्रांच का ऑडिटर इसको अपने एलएफआरए में डालेगा. तो कहते हैं सच अ डेफिशिएंसी नीड्स टू बी हाईलाइटेड बाय द ऑडिटर इन लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट दैट इज एलएफएआर लफार. ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा. मैंने बोला ही था क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ क्रक्स पता होना चाहिए कि गिवन सिनेरियो में क्या हो रहा है और आप इजिली इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. एक सेकेंड रुकना बस. हाँ, क्वेश्चन नंबर टू अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये रेवेन्यू लीकेज के ऊपर क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इतनी इजी वे से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे. क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दैट यू आर कंडक्टिंग द कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक. आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो किसी ब्रांच के. ये ब्रांच किसकी है, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की है. बहुत बड़ी ब्रांच है, इट इज अ वेरी लार्ज ब्रांच हैविंग द एडवांसेज ऑफ अराउंड 500 करोड़. ब्रांच के पास कितने एडवांसेज है, 500 करोड़ के आसपास एडवांसेज है इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट एडवांसेज ऑफ रुपीज 300 करोड़. राइट, सम बोरोवर्स ऑल्सो गेट एलसीज इशूड फ्रॉम द ब्रांच. कुछ ऐसे बोरोवर्स भी हैं आपके इस ब्रांच के जो जहां जिन बोरोवर्स ने एलसी को इशू करवाया हुआ है इस ब्रांच से. किस पर्पस के लिए, फॉर इंपोर्टिंग द रो डायमंड्स फ्रॉम द डायमंड हब्स ऑफ बेल्जियम. क्योंकि वो रो डायमंड इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बेल्जियम इस पर्पस के लिए. आपसे क्वेश्चन कहता है यू वॉन्ट टू बी श्योर. आप ऑडिट कर रहे हो, कॉन्करेंट ऑडिटर हो इस ब्रांच के. आप श्योर होना चाहते हो कि इस ब्रांच में कोई भी रेवेन्यू लीकेज नहीं है और फॉर द टाइम बिंग अभी आप फोकस कर रहे हो एडवांसेस के एरिया के ऊपर. मतलब आपका पर्पस क्या है कि एडवांसेस का ये जो एरिया है इस एरिया में कोई भी रेवेन्यू लीकेज नहीं होनी चाहिए. तो आपको पांच एरिया यहाँ पे डिस्कस करने हैं रिलेटिंग टू एडवांसेस ऑफ द ब्रांच जो आप वेरीफाई करोगे इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कोई भी रेवेन्यू लीकेज नहीं हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि रेवेन्यू लीकेज बेसिकली होती क्या है. रेवेन्यू लीकेज का मतलब है कि आपके बैंक को रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा है. राइट, अब आपको यह पता होना चाहिए कि बैंक, अगर मैं एडवांसेस के एरिया में रेवेन्यू लीकेज की बात कर रही हूं तो बैंक को एडवांसेस के रिलेशन में मतलब लोन में किस किस टाइप का रेवेन्यू हो सकता है. तो सबसे पहले आते हैं यहां पे इंटरेस्ट. राइट, तो आप बैंक लोन देता है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि आपके बैंक ने अपने सिस्टम के अंदर जो इंटरेस्ट रेट फेड किए हुए हैं, इंटरेस्ट रेट उसने सिस्टम के अंदर डाले हुए हैं, वो इंटरेस्ट रेट करेक्ट है. वो पता कैसे लगेगा ऑडिटर को कि वो इंटरेस्ट रेट सही है या नहीं है. तो ऑडिटर आपके उस रिस्पेक्टिव बोरोवर का सेंक्शन फाइल मंगवाएगा. ठीक है, तो वहां पे जो अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही सिस्टम में फेड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए सेंक्शन लेटर में तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि 10% के हिसाब से तुम्हें इस बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज करना है बट सिस्टम में सिर्फ 8% का इंटरेस्ट वहां पर चार्ज हो रहा है. तो 2% का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है ना. तो सबसे पहले ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, इंटरेस्ट रेट विच आर फेड इन द सिस्टम दोज नीड्स टू बी वेरीफाइड. कैसे वेरीफाई करेगा, विद रिस्पेक्ट टू द corresponding sanction letter. ये sanction letter के अंदर क्या आपने rate of interest को agree किया हुआ है? It would help. इससे auditor को क्या पता लगेगा? It would help auditor to ensure कि जो भी तुम्हारे system के अंदर rate of interest fed है, वो correct rate of interest है and interest is applied properly. आप reasonable interval पे आप interest को apply कर रहे हो. मतलब अगर yearly basis पे तुम yearly basis पे charge कर रहे हो, 6 month basis पे तुम 6 month basis पे charge कर रहे हो. तो सबसे पहला area उसने क्या verify किया? Interest rate जो सिस्टम में फेड है. ठीक है, आगे आप मुझे बताओ, जब भी आप एडवांस लेते हो, जब
भी बैंक लोन देता है तो प्रोसेसिंग फी चार्ज होती है, तो इस एरिया मतलब बैंक प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है आपके बोरोवर से, तो ये भी आपके बैंक के लिए इनकम का सोर्स होता है। तो कहते हैं ऑडिटर विल वेरीफाई द प्रोसेसिंग फी, एंड प्रोसेसिंग फी कब चार्ज करेगा बैंक, जब कोई नया सैंक्शन हो रहा है या आपके किसी एग्जिस्टिंग सैंक्शन का रिन्यूअल हो रहा है। तो कहते हैं प्रोसेसिंग फी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेशली सैंक्शन एडवांसेस एंड रिन्यूड लिमिट्स नीड्स टू बी लेविड इन अकॉर्डेंस विद द बैंक गाइडलाइंस। तो जो बैंक का सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेसिंग फीस चार्ज होनी चाहिए, एंड दीज नीड्स टू बी वेरीफाइड, एंड ऑडिटर इसको वेरीफाई करेगा कि जो भी रिस्पेक्टिव सर्कुलर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई हाउसिंग लोन है, हाउसिंग एडवांस है, तो वहां पे उस हाउसिंग लोन का जो सर्कुलर होगा कि जब भी कोई आपका बोरोवर हाउसिंग लोन लेने आएगा तो आपका बैंक कैसे उसको लोन प्रोवाइड करेगा, क्या उसकी प्रोसेसिंग फी होगी, ऑडिटर विल वेरीफाई कि कोई भी प्रोसेसिंग फी जो आपका बैंक चार्ज कर रहा है वेदर इट हैज बीन चार्ज इन अकॉर्डेंस विद द बैंक गाइडलाइंस और नॉट। आगे कहते हैं अगर कोई भी रिवीजन हो रही है इस प्रोसेसिंग फी के अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट, तो ऑडिटर उसको भी वेरीफाई करेगा, मतलब अगर आपका सर्कुलर चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट देने के लिए प्रोसेसिंग फी नीड्स टू बी चार्ज। ये प्रोसेसिंग फी आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली चार्ज होती है, ठीक है, तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी गिवन इफेक्ट, अगर मतलब अगर प्रोसेसिंग फी चेंज हो रही है तो सिस्टम में भी आपको उस प्रोसेसिंग फी को रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। तीसरा एरिया क्या हो सकता है, सैंक्शन जब भी आप करते हो सीसी लिमिट का, तो जब भी बैंक सीसी लिमिट को इशू करता है किसी भी बोरोवर को तो वहां पे एक कंडीशन क्या होती है कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। तो कहते हैं सैंक्शन ऑफ द क्रेडिट कैश क्रेडिट लिमिट इज जनरली अकंपनीड विद द स्टिपुलेशन टू सबमिट द स्टॉक स्टेटमेंट। और अगर आप नहीं मतलब बोरोवर ने बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करी तो बैंक उसके ऊपर पीनल इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो ये जो पीनल इंटरेस्ट आपका बैंक रिकवर करता है बोरोवर से ये भी उसका इनकम का सोर्स होता है, तो ऑडिटर इसको भी चेक करेगा। तो कहता है नॉन सबमिशन ऑफ द स्टॉक स्टेटमेंट कैन इन्वॉल्व लेविंग ऑफ द पीनल इंटरेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ दिस आस्पेक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो अभी तक रेवेन्यू लीकेज कहां कहां पर हो सकती है, इंटरेस्ट हमने देखा, प्रोसेसिंग फी हमने देखा, पीनल इंटरेस्ट देखा फॉर द नॉन सबमिशन ऑफ द स्टॉक स्टेटमेंट। आगे ओवर ड्यू इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट बिल परचेज्ड एंड पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर ओवर ड्यू पीरियड। तो कहता है कि अगर आपके जो बैंक है उसने फैसिलिटी प्रोवाइड करी है फॉर बिल परचेज्ड एंड पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, उसके रिलेशन में अगर कोई भी आपका ओवरड्यू इंटरेस्ट है तो ये ओवरड्यू इंटरेस्ट को भी आपका ऑडिटर वेरीफाई करेगा, मतलब ये भी आपके बैंक के लिए रेवेन्यू का सोर्स है। ऑडिटर विल वेरीफाई कि जब भी आपका बैंक इशू करता है एलसी तो एलसी के रिलेशन में बैंक को क्या मिलता है, कमीशन, तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा चार्जेस और कमीशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलसीज विच आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द बैंक सर्कुलर या मैनुअल, कि आपका बैंक जो अपने चार्जेस और कमीशन रिकवर कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलसीज विच आर बीइंग इशूड बाय द बैंक, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सर्कुलर, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट एरियाज हैं जिनको ऑडिटर वेरीफाई करेगा जब वो रेवेन्यू की लीकेज की चेकिंग कर रहा होगा इन दी एरिया ऑफ एडवांसेस। समझ में आ गया, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि बैंक को एडवांसेस के एरिया में कहां कहां से रेवेन्यू हो सकता है और आपके ऑडिटर को उन्हीं एरिया की वेरिफिकेशन करनी कि रेवेन्यू में लीकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं सीए सीमा इज अपॉइंटेड एज द स्टॉक ऑडिटर ऑफ भवानी राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड व्हिच इज अवेलिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द आरके पुरम ब्रांच नियर तमिल एजुकेशन सोसाइटी न्यू दिल्ली। तो कहते हैं कि सीए सीमा को क्या अपॉइंट किया गया है, स्टॉक ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, कौन से बोरोवर के लिए, भवानी राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए, और इस कंपनी ने एक क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करी हुई है फ्रॉम दी आर के पुरम ब्रांच, ये किसी बैंक की ब्रांच होगी, ठीक है। द बोरोवर इज इंजॉइंग कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ रुपीज 12 करोड़, तो बोरोवर के पास सीसी की लिमिट है 12 करोड़ रुपए की फ्रॉम द ब्रांच अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ पेड स्टॉक एंड डेटर्स अप टू 90 डेज अगेंस्ट अ मार्जिन ऑफ 25%। और ये लिमिट आपके इस बोरोवर को कैसे मिली है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ डेटर्स दैट इज रिसीवेबल्स एंड इट्स स्टॉक, राइट। मार्जिन इसने बताया हुआ 25% का, आगे जाके देखेंगे कि क्या इसकी कोई रेलिवेंस है क्वेश्चन के अंदर या नहीं है। क्वेश्चन आगे आपको कहता है she proceeds to visit premises of Bhavani Rice Mills Private Limited located on the outskirt of the Delhi, क्योंकि उसको stock audit करनी थी तो उसने क्या किया, वो Bhavani Rice Mills Private Limited जो आपका borrower है उसकी site पे गई। she verifies books of account and stock records of the company, और उसने क्या किया, उसने books of accounts की examination करी, उसने stock records की examination करी, and also उसने test basis पे, उसने sampling के basis पे quantity check करी है paddy and rice की of 20,000 quintals and 8,000 bags
विच आर लाइंग इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड ड्रॉइंग पावर ऑफ रुपीज 12.05 crore इज कंप्यूटेड इन द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट एंड रिपोर्ट स्टैंड सबमिटेड टू द बैंक. और जो भी उसने वेरिफिकेशन करी, ठीक है, जो भी उसने चेकिंग करी, उसके बेसिस पे उसने कितनी डीपी निकाल दी है बैंक के लिए, 12.05 crore रुपए की. आफ्टर अबाउट अ वीक, एक वीक के बाद क्या हुआ, रेगुलर इंटरनल इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बैंक ऑल्सो हैपन टू विजिट प्रीमाइसेस ऑफ द बोरोवर एंड फाउंड दैट राइस विच आर कंटेन्ड इन अबाउट 5,000 बैग्स इंक्लूडेड इन स्टॉक हैविंग अप्रोक्स वैल्यू ऑफ 1.50 crore was fungus ridden. इसका मतलब क्या हुआ कि बाद में जाकर एक हफ्ते के बाद कोई इंस्पेक्टर आपका अपॉइंट किया गया बैंक के द्वारा, इंस्पेक्शन चल रही थी आपकी, इंटरनल इंस्पेक्शन चल रही थी, तो वो इंस्पेक्टर भी वहां पे गया उस बोरोवर की साइट पे. उसने क्या देखा कि आपका स्टॉक जिसकी वैल्यू थी अराउंड 1.50 crore की, उस स्टॉक के अंदर फंगस लगी हुई है, मतलब वो खराब है स्टॉक, उसकी वैल्यू होनी नहीं चाहिए थी इंक्लूड. द कंपनी वॉज होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर द लास्ट 15 months. हाउ डू यू व्यू दी अबव सिचुएशन डिस्कस. आप मुझे ये बताओ कि जो स्टॉक ऑडिटर है क्या उसने अपना काम ढंग से किया? आंसर इज नो. उसने फिजिकल वेरिफिकेशन करी, उसने विजिट किया, वो तो ठीक है, बट क्या उसने कंडीशन को चेक किया? उसने एग्जिस्टेंस चेक कर ली, ठीक है, बट क्या उसने स्टॉक की कंडीशन को चेक किया? आपको याद है जब हम ऐसे नंबर 501 पढ़ते हैं तो वहां पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द स्टॉक. तो यहाँ पे उसने एग्जिस्टेंस तो चेक कर ली कि ठीक है स्टॉक आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर है, उतना ही आपकी साइट के ऊपर भी होना चाहिए, जितने पैकेट उसको दिखाई दे रहे कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उतने ही वहां पे फिजिकली उसको मिल गए. बट क्या उसने खोल के देखे कि उसके अंदर जो राइस हैं वो ठीक हैं, वो खराब हैं? यहाँ पे जब इंस्पेक्शन हुई बाद में पता लग रहा है कि वो तो फंगस लगी हुई है उसके अंदर, उनकी तो वैल्यू जीरो है. तो आप जो स्टॉक खराब हो चुका है उसको तो डीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते ना. तो यहाँ पे उसने कंडीशन को चेक नहीं किया, तो देयरफॉर स्टॉक ऑडिटर ने जो अपना काम किया वो ढंग से अपना काम नहीं किया है, राइट. कहते हैं द अबव सिचुएशन रिफ्लेक्ट द प्रोफेशनल वर्क ऑफ द स्टॉक ऑडिट वॉज परफॉर्म्ड नॉट परफॉर्म्ड डिलीजेंटली बाय द स्टॉक ऑडिटर. इट इज इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टॉक ऑडिटर कि वो वेरीफाई करे कंडीशन ऑफ द स्टॉक को, राइट. अगर यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे रेफरेंस नहीं दी गई आपके ऐसे नंबर 501 की, बट हम पढ़ते हैं इस चीज को, राइट. आगे कहते हैं ऑडिटर का रोल सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन आप करना ही, फिजिकल वेरिफिकेशन करना क्वांटिटीज की, सिर्फ इसी रोल में उसका रोल लिमिटेड नहीं है. मतलब सिर्फ वो काउंटिंग कर रहा है कि अच्छा 2000 पैकेट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहे हैं इन्वेंटरी के, 2000 ही फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, इतना ही उसका रोल नहीं है. इन गिवन केस इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, शी शुड, मतलब जो आपका ऑडिटर है उसको क्या करना चाहिए था, उसको ओपन करने चाहिए थे पैकेट टेस्ट बेसिस पे. तो उसको क्या करना चाहिए था, शी शुड हैव गॉट ओपन राइस बैग ऑन टेस्ट चेक बेसिस. इन द प्रोसेस शी कुड हैव कम टू नो, अगर वो ऐसा करती तो उसको समझ में आ जाता कि यहाँ फंगस लगी हुई है. तो कहता है शी कुड ऑल्सो हैव कम टू नो अबाउट द फंगस रिडन कंडीशन ऑफ द राइस. एंड जब वो अपनी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करती तो फिर इन फंगस रिडन राइस को उसमें इंक्लूड नहीं करती. तो कहता है वैल्यू ऑफ सच राइस शुड हैव बीन एक्सक्लूडेड वाइल अराइविंग द वैल्यू ऑफ द स्टॉक फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डीपी. तो यहाँ पे तुमने डीपी की कैलकुलेशन ओवर वैल्यू की हुई है. It shows that she failed to perform the her work diligently and drawing power which is calculated in the report submitted to the bank is not proper. So DP की calculation आपकी गलत है, इतनी आपकी DP होनी नहीं चाहिए जितनी है, right? तो ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर बनेगा. अब आते हैं आपका टेस्ट योर नॉलेज का पहला क्वेश्चन. कहते हैं योर फॉर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल स्टैचुरी ऑडिटर ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक. ओके, तो आप सेंट्रल स्टैचुरी ऑडिटर अपॉइंट किए गए हो किसी नेशनलाइज्ड बैंक के. द बैंक फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज इट्स अकाउंटिंग ईयर. तो बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर है. योर ऑडिट मैनेजर इन्फॉर्म्ड दैट बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूअल बेसिस इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड विच आर हेल्ड बाय इट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो वो कहता है कि बैंक क्या कर रहा है, बैंक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो भी उसको इनकम हो रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कहां से, फ्रॉम द सिक्योरिटीज जहां में बैंक ने इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसको वो रिकॉग्नाइज कर रहा है ऑन अक्रूअल बेसिस. और जो म्यूचुअल फंड की यूनिट से भी उसको इनकम हो रही है, बैंक उसकी रिकॉग्निशन कर रहा है ऑन द अक्रूअल बेसिस. जो डिविडेंड उस बैंक को मिल रहा है ऑन द सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, दीज डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो आपको बताना है कि क्या बैंक ये सही कर रहा है कि आप अक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्निशन कर रहे हो.
देखो आप अक्रूवल बेसिस पे डिविडेंड की इन जो आपको इनकम हो रही है फ्रॉम द डिविडेंड आप उसकी रिकॉग्निशन कर सकते हो प्रोवाइडेड दैट डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है एंड आपके जो बैंक का राइट है टू रिसीव दैट पेमेंट ऑफ डिविडेंड दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड राइट. लेकिन यहां पे आप जो डिविडेंड देख रहे हो वो डिक्लेयर कब हो रहा है आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. मतलब फाइनेंशियल ईयर पे तो तुम्हारा राइट एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं तो तुम अब फाइनेंशियल ईयर के एंड पे क्या इसको अपनी इनकम शो कर सकते हो. तो आंसर है अ बिग नो. तो ये सही नहीं है. तो कहते हैं बैंक में बुक इनकम फ्रॉम द डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज. मतलब बैंक ने जहां पे इन्वेस्टमेंट करी है जिस भी कंपनी में जहां भी जिस भी कॉर्पोरेट बॉडी में वहां से बैंक को जो डिविडेंड की इनकम आ रही है उसको वो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर सकता है. कोई इशू नहीं है प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर करती है आपकी उस कंपनी ने अपनी एजीएम में और राइट एस्टैब्लिश हो गया आपके बैंक का टू रिसीव द पेमेंट तब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो आपका स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग यही प्रोविजन आपकी बनती है इन दिस केस. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है वो डिक्लेयर हो रहा है आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड. देयरफॉर इनकम को रिकॉग्नाइज करना बैंक के लिए जब तक उसका राइट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है ये प्रॉपर नहीं होगा राइट. इन रिस्पेक्ट ऑफ इसने आगे थोड़ा एडिशनल कुछ पॉइंट बताया कि अगर आपको इनकम होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज. मतलब आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से आपको कोई इनकम हो रही है या किसी कॉर्पोरेट बॉडीज के बॉन्ड एंड डिबेंचर से इनकम हो रही है जहां पे इंटरेस्ट रेट ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट आपके प्री डिटरमाइंड है क्योंकि ऑब्वियसली कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है पहले से आपको पता होता है. इनकम कुड बी बुक्ड ऑन अक्रूवल बेसिस प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट इज सर्विस रेगुलरली एंड सच एन इंटरेस्ट इज नॉट इन एरियर. तो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में है डिबेंचर है तो डिबेंचर के अंदर है तो वहाँ पे आपको पहले से पता होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है तो इन दैट सिचुएशन आप अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट को चार्ज कर सकते हो राइट. प्रोवाइडेड दैट कंडीशन यहाँ पे भी क्या कि आपकी ये जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरली आपको मिल रहा है इट हैज़ बीन सर्विस रेगुलरली और कोई भी ओवरड्यू नहीं है वहाँ पे. इट वॉज फर्दर हाउएवर क्लेरिफाइड दैट बैंक में बुक इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट प्रिंसिपल हैव बीन गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट. कि जहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है इंटरेस्ट को लेकर राइट या प्रिंसिपल को लेकर और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करी हुई सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज या PSU वहाँ पे आप इंटरेस्ट को बुक कर सकते हो अक्रूवल बेसिस पे. ऑल्दो आपका जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ पहला ही पॉइंट पूछा हुआ था बट इसने आगे भी बताया हुआ है. समझ में आया तो ये आप. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन SLR के रिक्वायरमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है. थोड़ा सा आपको साउंड का इशू फील हुआ हुआ है इस लेक्चर के बिगिनिंग में टिल नाउ राइट. मुझे तब रियलाइज हुआ तब मैंने उसको ठीक कर दिया लेकिन मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एफर्ट लगते हैं इन क्वेश्चंस को बोलने में तो दोबारा से नहीं हो पाएगा अभी और टाइम भी वेस्ट होगा तो इस वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ. तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि थोड़ी सी आपको इनकन्वीनियंस हुई होगी बट इट्स ओके राइट. क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं दैट एज अ स्टैचुरी सेंट्रल ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक. आप ऑडिट कर रहे हो किसी नेशनलाइज्ड बैंक की और आप कौन हो स्टैचुरी सेंट्रल ऑडिटर हो उस नेशनलाइज्ड बैंक के. व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स दैट आर टू बी बोर्न इन माइंड इन द ऑडिट ऑफ कंप्लायंस विद द स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट. तो कहते हैं बीइंग द स्टैचुरी सेंट्रल ऑडिटर ऑफ दिस नेशनलाइज्ड बैंक जब आप अपनी ऑडिट करोगे तो आप किन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे वाइल इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द SLR रिक्वायरमेंट. तो आपको जो आपके बैंक्स होते हैं उनको SLR रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस करना पड़ता है एंड ऑडिटर का काम क्या होता है ऑडिटर को ये वेरीफाई करना पड़ता है और रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि जो बैंक के ऊपर SLR की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो रही है जिसको प्रिस्क्राइब कौन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट. तो क्या बैंक उनके साथ कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है एंड आपका ऑडिटर इसको वेरीफाई कैसे करता है. ऑडिटर इसको वेरीफाई करता है 12 ओड डिफरेंट डेट्स के ऊपर इन डिफरेंट मंथ विच शुड नॉट बी फ्राइडेज एंड जो भी उसकी रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को आपका ऑडिटर इशू कर देता है बैंक की मैनेजमेंट को एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राइट. दो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसकी वेरिफिकेशन ऑडिटर करता है जब वो वेरिफिकेशन कर रहा है कि क्या तुम्हारे बैंक ने SLR के रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस किया या कंप्लायंस नहीं किया. कौन कौन से नंबर 1 कि जो DTL की कॉम्पोजिशन है दैट इज डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी की कॉम्पोजिशन बैंक की है क्या वो करेक्ट कॉम्पोजिशन है. मतलब जो भी आइटम्स डिटेल की कॉम्पोजिशन में आने चाहिए थे क्या बैंक ने उनको इंक्लूड किया या नहीं किया. दूसरा
ऑडिटर वेरीफाई करता है कि जो बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट्स, क्या बैंक उस परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप फॉर्मूला बताओगे ना कि फॉर्मूला होता क्या है एसएलआर को कंप्यूट करने का, तो फॉर्मूला होता है आपका लिक्विड एसेट्स अपॉन में नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इंटू 100। तो दो इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर आपका ऑडिटर फोकस होता है, दैट इज लिक्विड एसेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, राइट। फिर नीचे आपको बताया गया कि कौन कौन से पॉइंट्स को वेरिफिकेशन, कौन कौन से पॉइंट की वेरिफिकेशन करेगा ऑडिटर वाइल इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द एसएलआर रिक्वायरमेंट बाय द बैंक, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो सबसे पहले क्या बोला इसने, सबसे पहले वही बोला कि जो सेंट्रल स्टैचुरी ऑडिटर होगा आपके बैंक का, उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या बैंक एसएलआर रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रहा है या नहीं कंप्लाई कर रहा है, एंड उसको रिपोर्ट बनानी पड़ती है। कंप्लायंस वो कब देखेगा, ऑन 12 और डिफरेंट डेट्स इन डिफरेंट मंथ विच शुड नॉट बी फ्राइडे। एंड जो भी आपका ऑडिटर ये रिपोर्ट बनाएगा, ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी, एक तो बैंक की मैनेजमेंट के पास जाएगी एंड दूसरा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आगे इसने वही बताया कि ऑडिटर जब इस कंप्लायंस की वेरिफिकेशन कर रहा है तो स्टैचुरी ऑडिटर दो आस्पेक्ट की एग्जामिनेशन करता है, दो आस्पेक्ट के ऊपर उसकी एग्जामिनेशन का फोकस होता है। नंबर वन, द करेक्टनेस ऑफ द फिगर्स ऑफ डीटीएल, मतलब कि जो भी आइटम्स डीटीएल की कॉम्पोजिशन में इंक्लूड होने चाहिए थे, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में इंक्लूड होने चाहिए थे, वेदर दिस हैव बीन इंक्लूडेड बाय द बैंक और नॉट। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ लिक्विड एसेट एज ऑन द सिलेक्टेड डेट, मतलब जितनी आपके पास, आपके बैंक के पास लिक्विड एसेट्स की परसेंटेज होनी चाहिए थी, क्या उन्होंने उतना मेंटेन किया या नहीं किया। तो आपका ऑडिटर इन दो आस्पेक्ट के ऊपर मोस्टली फोकस होता है। क्या उसके वेरिफिकेशन के स्टेप होंगे, सबसे पहले कहता है कि जब वो एसएलआर के रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस की वेरिफिकेशन कर रहा है, ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर की इन दिस बिहाफ। तो कहता है ऑडिटर विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट सर्कुलर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्यों, ताकि वो असर्टेन कर सके कि डीटीएल के कॉम्पोजिशन में कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए बैंक को। तो कहता है इन ऑर्डर टू असर्टेन द आइटम्स विच आर टू बी इंक्लूडेड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द डीटीएल, उसका दो फोकस के एरिया, एक डीटीएल और दूसरा लिक्विड एसेट। आगे कहते हैं वो रिक्वेस्ट करेगा ब्रांच के ऑडिटर्स को कि आप ट्रायल बैलेंस की करेक्टनेस को वेरीफाई करके मुझे बताओ, एंड वो एग्जामिन भी कर सकता है कैश बैलेंस एट ब्रांचेस ऑन द डिफरेंट सिलेक्टेड डेट। मैंने क्या बोला, दो एरिया उसके फोकस के होते हैं, लिक्विड एसेट और दूसरा क्या, एसएलआर। तो यहां पे वो कैश के ऊपर फोकस कर रहा है। फिर आगे कहते हैं ऑडिटर विल एग्जामिन ऑन द टेस्ट बेसिस, किस चीज को एग्जामिन करेगा, आपका जो एचओ होता है वो कंसोलिडेशन करता है डीटीएल की, तो ऑडिटर टेस्ट बेसिस पे कंसोलिडेशन जो एचओ ने करी है उसकी वेरिफिकेशन करेगा। और एचओ अपनी कंसोलिडेशन कैसे करता है, विद रेफरेंस टू द रिटर्न्स जो आपके ब्रांचेस से आते हैं आपको, आपके एचओ को। तो कहते हैं विद रेफरेंस टू द रिलेटेड रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। और क्या कर सकते हैं ऑडिटर, ऑडिटर एग्जामिन करेगा कॉम्पोजिशन ऑफ द आइटम्स ऑफ द डीटीएल एज पर द सर्कुलर इंस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीआई, कि मतलब आपके बैंक ने अपने नेट डीटीएल को कैलकुलेट करने के लिए जिन आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर के अकॉर्डिंग, क्या उसके अकॉर्डिंग उसने अपने डीटीएल की कैलकुलेशन करी है। ये फर्स्ट पॉइंट के आप कॉन्टिन्यूशन में फोर्थ पॉइंट कह सकते हो, राइट। आगे कहते हैं ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि जो इंटरेस्ट अक्रूड है बट अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट नहीं किया गया, रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्या बैंक ने उसको भी इंक्लूड किया है इन द कंप्यूटेशन ऑफ डीटीएल, क्योंकि वो इंक्लूड होना चाहिए। तो कहते हैं ऑडिटर विल इंश्योर दैट द इंटरेस्ट अक्रूड बट विच इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ डीटीएल। ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है स्पेसिफाई वाला, ये आपका एज सच कोई वेरिफिकेशन का पॉइंट नहीं है, ये रिपोर्टिंग का ही पॉइंट है। तो कहते हैं कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पेसिफाई करता है कि कितनी नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस हैं, जिन अनऑडिटेड ब्रांचेस की रिटर्न पे आपके इस ऑडिटर ने रिलाई किया है जब उसने अपना ओपिनियन फॉर्म किया है ऑन द कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट, एंड वो एक स्टेटमेंट भी देता है इन दिस बिहाफ, राइट। तो ये आपके वेरिफिकेशन के यहाँ पे पॉइंट आएंगे। सबसे पहले कौन सा पॉइंट है कि वो मास्टर सर्कुलर को चेक करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ताकि वो असर्टेन कर सके कि किन किन आइटम की डीटीएल के अंदर किन किन आइटम्स की इंक्लूजन होनी चाहिए थी डीटीएल की कॉम्प्यूटेशन में। फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ आपका फोर्थ पॉइंट है, ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि आपकी जो बैंक है, जो उसने डीटीएल की कॉम्पोजिशन करी है, क्या उसने उन सारे आइटम्स को इंक्लूड किया है जो इंक्लूड होने चाहिए थे एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई, एज पर द सर्कुलर ऑफ आरबीआई जो उसने फर्स्ट पॉइंट में
जिसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, राइट। दूसरे पॉइंट का फोकस है कैश के ऊपर। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑडिटर एग्जामिन करेगा टेस्ट बेसिस पे जो कंसोलिडेशन आपका एचओ बना रहा है, और कैसे एग्जामिनेशन करेगा, विद रेफरेंस टू द रिटर्न्स जो रिसीव कर रही है आपका एचओ फ्रॉम द ब्रांचेस। तो ये पॉइंट आ गया, ये भी डिटेल के ऊपर ही फोकस्ड है, राइट। तो ये आपके टोटल पॉइंट आएंगे। और फिफ्थ बात कर रहा है कि जो भी अक्रूड इंटरेस्ट है बट अभी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जिसको रिकॉर्ड नहीं किया, दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ द डीटीएल। तो क्या वो इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ, इसको भी आपका ऑडिटर चेक करेगा, राइट। तो ये आपके एसएलआर से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स थे, बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री भी अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कभी भी एग्जाम में पूछेगा। कहता है कि आपको बताना है कॉन्करेंट ऑडिट का स्कोप क्या होगा, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक विद रेफरेंस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस। मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको नाम बताना है उन्होंने एरियाज के, जिन एरियाज की चेकिंग आपके कॉन्करेंट ऑडिटर को करनी पड़ती है, राइट। तो कहता है डिटेल्ड स्कोप, जो भी कॉन्करेंट ऑडिट का स्कोप होता है वो इट शुड बी क्लियरली एंड यूनिफॉर्मली डिटरमाइंड बाय द बैंक सेंट्रल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या स्कोप होगा कॉन्करेंट ऑडिट का, उसको कौन डिसाइड करता है, इट इज टू बी डिटरमाइंड बाय द बैंक की जो आपके सेंट्रल इंस्पेक्शन और ऑडिट डिपार्टमेंट है वो इसको डिसाइड करती है, किसकी कंसल्टेशन लेकर, ऑडिट कमेटी की कंसल्टेशन लेकर, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। फिर कहते हैं कि जब आप स्कोप डिसाइड कर रहे हो कॉन्करेंट ऑडिट का, तो आप किन चीजों को कंसिडर करोगे, मतलब बैंक की इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट किन चीजों को कंसिडर करेगी। तो कहते हैं इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द चेकिंग ऑफ हाई रिस्क ट्रांजेक्शन हैविंग लार्ज फाइनेंशियल इंप्लीकेशन एज अपोज्ड टू इन्वॉल्विंग लेसर अमाउंट। मतलब सिंपल सी बात है कि जहां पे जिन ट्रांजेक्शन में एक्सपोजर ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, उनको आप मोस्टली इंक्लूड करोगे। आरबीआई की गाइडलाइंस इन रिलेशन टू कॉन्करेंट ऑडिट क्या कहती है कि किन किन एरिया को आपका ऑडिटर कॉन्करेंट ऑडिटर कवर करेगा जब वो कॉन्करेंट ऑडिट को करा होगा। तो इसमें आते हैं आपका कैश का एरिया, डिपॉजिट का एरिया, फॉरेन एक्सचेंज का एरिया, हाउसकीपिंग आपका, एडवांसेस अदर एंड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब जो आपके मेजर आपके एरियाज हैं बैंक के, उनको कॉन्करेंट ऑडिटर अपनी ऑडिट में इंक्लूड करता है। तो बहुत ही सिंपल सा आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से एरिया आएंगे। अब बैंक में सोचो क्या क्या चीजें होती हैं, एडवांस होता है, डिपॉजिट होता है, तो ये हो गया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का एरिया यहाँ पे आ गया, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन होती है, फॉरेन एक्सचेंज आ गया, अगर किसी ब्रांच में फोरेक्स की वहां पे वो ट्रांजेक्शन हो रही है, तो क्योंकि हर एक ब्रांच में फोरेक्स नहीं होता है, राइट। कैश का एरिया हो गया एंड अदर्स, तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा, बहुत ही सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन कहता है दैट इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ गुड समीरतन बैंक एज एट 31 मार्च 2023 यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग। तो आप ऑडिट कर रहे हो गुड समीरतन बैंक की, राइट, एंड बीइंग एन ऑडिटर आप कौन सी ईयर की ऑडिट कर रहे हो, एज एट 31 मार्च 2023 की, और आपने ये ऑब्जर्वेशन है जो नोट करी है। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले कहता है इन अ पर्टिकुलर अकाउंट देयर वॉज नो रिकवरी इन द पास्ट 18 मंथ। पिछले 18 महीनों से किसी एक अकाउंट में कोई भी रिकवरी नहीं हो रही है। द बैंक हैज नॉट अप्लाइड द एनपीए नॉर्म्स एज वेल एज इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट। कहता है कि 18 महीने से पैसा नहीं आ रहा है उस अकाउंट के अंदर, और बैंक ने एनपीए में उसकी क्लासिफिकेशन नहीं करी है, ना इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स आपके बैंक ने अप्लाई करें। जब आपके ऑडिटर ने क्वेरी करी टू द बैंक मैनेजमेंट, तो कहता है व्हेन क्वेरीड द बैंक मैनेजमेंट रिप्लाइड, बैंक के मैनेजमेंट ने क्या बोला, दैट दिस अकाउंट वाज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेंस दीज नॉर्म्स वर नॉट एप्लीकेबल। तो उसने बोला कि भले ही 18 महीने से इस अकाउंट में कोई पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी गारंटी किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, तो फिर हम इसकी एसेट की क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या दी हुई है, गारंटी दी हुई है, राइट, तो आप इसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी रेप्यूडिएट नहीं हो जाती। लेकिन बैंक को उस गारंटी को इन्वोक तो करना पड़ेगा ना। मतलब क्या कि भाई तुम्हारे पास गारंटी है तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे ना कि मेरा पैसा दे दो, आपने गारंटी दी थी, देखो ये अकाउंट से मुझे पिछले 18 महीनों से पैसा नहीं आ रहा है, बैंक ने गारंटी को इन्वोक ही नहीं किया, तो रेप्यूडेट हुई या नहीं उसका सवाल यहां पे नहीं आता।
ये बैंक के एंड पे एक प्रॉब्लम है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी जब तक है तब तक आप अकाउंट को एनपी नहीं क्लासिफाई कर सकते, अंडरस्टैंडेबल राइट। ऑल्दो बैंक की वहां पे एक इशू क्रिएट किया हुआ कि बैंक ने अभी तक गारंटी को इन्वोक ही नहीं किया, वो ठीक है, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स तो उसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई होते हैं ना। तो अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है तो यहां से जो इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स है वो आपके किसी और रेगुलर अकाउंट के तरीके से ही अप्लाई होंगे, तो यहां पे गारंटी का कोई सीन नहीं बनता है। तो ये भी एक यहां पे इशू है। आगे कहता है द बैंक हैज नॉट इन्वोक द गारंटी। मैंने क्या बोला, ये इशू है, आपके पास गारंटी है तो आप इन्वोक करो, लेकिन बैंक ने इन्वोक नहीं करी अपनी गारंटी। प्लीज रिस्पोंड, अब आपको बताना कि आपका यहां पे प्रॉब्लम क्या है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द एडवांस इज गारंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑफकोर्स अगर गारंटी दी होती स्टेट गवर्नमेंट ने तो फिर एसेट की क्लासिफिकेशन नॉर्मली होती। 18 महीने से पैसा नहीं आ रहा है तो इस अकाउंट को हम तभी के तभी एनपीए क्लासिफाई कर देते अगर ड्यू हो जाता ओवर 90 डेज, राइट। तो आगे कहते हैं द बैंक एडवांस पोर्टफोलियो, मतलब बैंक के जो टोटल एडवांसेस है उसका पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ सिग्निफिकेंट लोन्स अगेंस्ट द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो बैंक ने बहुत सारे LIC के अगेंस्ट लोन दिए हुए। LIC के अगेंस्ट लोन दिए हुए मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ए है, इसको पैसा चाहिए, तो कहता है कि मेरे पास ना देखो LIC है मेरे पास, इसको आप ऐसा सिक्योरिटी रख लो और मुझे लोन दे दो। तो बहुत सारे बैंक के पोर्टफोलियो में लोन्स क्या है, अगेंस्ट द LICs है। आपको क्या बताना है, एक सूटेबल ऑडिट प्रोग्राम बताना है कि आपको अगर ऐसे एडवांसेस की वेरिफिकेशन करनी है जो LIC के अगेंस्ट है तो आप किन पॉइंट्स को कंसिडर करोगे बींग एन ऑडिटर। तो तीन क्वेश्चन इसने यहां पे पूछे, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है राइट, बट बैंक ने उस गारंटी को इन्वोक नहीं किया तो क्या उसको एसेट को क्लासिफाई करना पड़ेगा एज द एनपी। दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ इनकम रिकॉग्निशन का है राइट, मतलब इसको आप एक ही क्वेश्चन मानो। दूसरा क्वेश्चन क्या कि अगर ये गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ना होती और स्टेट गवर्नमेंट की होती तो फिर आपका आंसर क्या होता। तीसरा क्वेश्चन, जो एडवांसेस अगेंस्ट LIC हैं बीइंग एन ऑडिटर, जब आप उन एडवांसेस की वेरिफिकेशन करोगे तो आपको किन पॉइंट्स को कंसिडर करना है। तीन क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी रेपुडिएट नहीं हो जाती तब तक आप अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे, लेकिन बैंक से एक इशू यहाँ पे ये राइज हो रहा है कि बैंक ने उस गारंटी को इन्वोक ही नहीं किया। तो कहते हैं अ गवर्नमेंट गारंटी एडवांस बिकम एनपीए देन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन इंटरेस्ट ऑन सच एडवांस शुड नॉट बी टेकन इनटू इनकम अनलेस इंटरेस्ट इज रियलाइज्ड। However, for the purpose of asset classification, credit facility backed by the central government guarantee, though overdue can be treated as NPA only when, कब आप इसको NPA मान सकते हो, जब central government अपनी guarantee को repudiate कर लेगी when invoked, but bank ने तो guarantee अभी invoke ही नहीं की, समझ में आ रहा है। तो कहते हैं जो इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स हैं, अगर कोई अकाउंट से तुम्हारे 90 दिन से पैसा नहीं आ रहा है राइट, तो आप नॉर्मली उसके रिलेशन में इनकम को तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आप रियलाइज करोगे। अक्रूअल बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो नॉर्मल इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे इस सिचुएशन में भी जहां पे एसेट की जो गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन उसके एनपीए की क्लासिफिकेशन के लिए तुम सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी को कंसीडर करोगे, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी को रेप्यूडिएट नहीं कर लेती तब तक इस एसेट को एनपीए क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। आगे कहता है सिंस बैंक ने तो गारंटी को इन्वोक ही नहीं किया तो फिर रेप्यूडिएशन का तो सवाल ही नहीं उठता यहां पे। तो जब इन्वोक ही नहीं किया तो रेप्यूडिएट हुई नहीं, तो मतलब अभी आपको एनपीए को क्लासिफाई नहीं करना है। हेंस द बैंक इज करेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट अप्लाइंग द एनपीए नॉर्म्स फॉर द प्रोविजनिंग पर्पस। तो मतलब उसको एनपीए नहीं क्लासिफाई किया, एनपीए नहीं क्लासिफाई किया तो फिर जो एनपीए की प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट आती है वो भी बैंक के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। बट दिस एग्जम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स। मैंने क्या बोला, इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स आपके नॉर्मली ही अप्लाई होंगे। Hence, income to the extent not recovered should be reversed. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक अकाउंट एनपीए नहीं होता है तब तक तो आप उस अकाउंट के रिलेशन में इनकम को अक्रूअल बेसिस पे बुक कर सकते हो, लेकिन जब वो अकाउंट आपका एनपीए हो गया तो इन दैट सिचुएशन जो इनकम आपने अभी तक बुक की थी अक्रूअल बेसिस पे, अब उस इनकम का रिवर्सल करना पड़ेगा, और नई इनकम जब तक आप रियलाइज नहीं कर लेते तब तक बुक नहीं करोगे, क्योंकि यही आपके नॉर्मल इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स होते हैं। आगे कहते हैं द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अगर ये गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट की होती तो सिचुएशन अलग होती। यहां पे एनपीए के क्लासिफिकेशन और इनकम रिकॉग्निशन के नॉर्म्स बिल्कुल नॉर्मल लगते,
ऐसे किसी अकाउंट के तरीके से लगते जैसे इस अकाउंट में कोई गारंटी है ही नहीं। तो कहते द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट इफ द एडवांस इज गारंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज दिस एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस। और जहां पे पैसा ड्यू है मोर देन 90 डेज से आप उस अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई कर दोगे। और अगर बैंक ने, देखो मैंने क्या बोला, एक इशू था क्या कि आपके बैंक के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है कि तुम अपना पैसा रिकवर कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसने इन्वोक नहीं किया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडिटर जब अपनी LFAR बनाएगा उसको पॉइंट आउट करेगा। तो कहते हैं इन केस बैंक हैज नॉट इन्वोक्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दो अमाउंट ओवर ड्यू है बहुत लंबे टाइम से, आपको रीजन बताने पड़ेंगे और इसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने LFR के अंदर। मतलब बैंक क्यों नहीं इन्वोक कर रहा उस गारंटी को, क्यों नहीं अपने पैसे को रिकवर कर रहा है, 18 महीने से आपका पैसा ओवर ड्यू है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था आपसे कि जो एडवांसेस अगेंस्ट LIC है उसके रिलेशन में ऑडिटर किन पॉइंट्स की वेरिफिकेशन करेगा, ये हमने आपके बुक में ही पढ़े हुए हैं चार के चार पॉइंट। सबसे पहले ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा उन पॉलिसीज को, देखो अगर LIC के अगेंस्ट आपने लोन दिया हुआ है तो फिर LIC सिक्योरिटी होगी, तो सिक्योरिटी किसके नाम पे असाइंड होनी चाहिए, बैंक के नाम पे। तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि जो भी पॉलिसीज हैं एंड वो इंश्योर करेगा दीज पॉलिसीज LICs हैव बीन असाइंड इन द फेवर ऑफ बैंक एंड क्या ये असाइनमेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है इंश्योरर के पास भी। मतलब जो आपका रिस्पेक्टिव इंश्योरर है जिससे आपने इंश्योरेंस लिए बोरोवर ने, अब वहां पे भी रजिस्टर हो चुका है कि बैंक इसका साइन नहीं है अभी, राइट। आगे कहते हैं ऑडिटर ये भी एग्जामिन करेगा कि जो भी प्रीमियम पे होनी चाहिए बाय द बोरोवर, बोरोवर इन प्रीमियम को रेगुलरली पे करे ताकि दीज पॉलिसीज रिमेन इन फोर्स, क्योंकि अगर प्रीमियम नहीं पे करेगा तो फिर वो लैप्स हो जाएंगे आपकी पॉलिसीज लैप्स होगी तो फिर सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, राइट। आगे कहते हैं ऑडिटर विल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट, ऑब्टेन कर सकते हैं वो फ्रॉम द इंश्योरर रिगार्डिंग द सरेंडर वैल्यू। और जहां पे ऑडिटर पर्टिकुलरली इस एरिया के ऊपर फोकस करेगा कि जहां पे सरेंडर वैल्यू इज सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ एनी प्रीमियम, तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जब वो सरेंडर वैल्यू को कंसिडर कर रहे ना पॉलिसी की, तो उसमें से वो डिडक्ट करे अमाउंट ऑफ सच प्रीमियम। तो ये चार पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पे लिखना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक इज इन अ कंसोर्शियम मेंबर ऑफ द CC फैसिलिटी ऑफ 50 करोड़ टू एक्स लिमिटेड। कंसोर्शियम एडवांसेस क्या होते हैं, जहां पे एक से ज्यादा बैंक मिलके किसी सिंगल बोरोवर को पैसा देते हैं, मतलब ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक, इन्होंने मिलके एक किसी बोरोवर को पैसा दे दिया, तो यहां पे कंसोर्शियम फैसिलिटी का तुम्हारा बैंक मेंबर है, जहां पे किसी बोरोवर को एक सीसी लिमिट दी हुई है 50 करोड़ रुपए की, बोरोवर है एक्स लिमिटेड। बैंक का शेयर कितना है, तुम्हारे बैंक का शेयर कितना है 10 करोड़ का, मतलब 50 में से 10 करोड़ का सीसी की लिमिट तुम्हारी साइड से है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर के अंदर अगेंस्ट द डेबिट ऑफ 1.75 करोड़, आप सीसी अकाउंट में डेबिट होता रहता है आपका, तो 1.75 करोड़ का डेबिट हुआ है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, द क्रेडिट इन एक्स अकाउंट्स आर टू द ट्यून ऑफ 1.25 करोड़ ओनली। तो कहता है कि डेबिट हुआ है 1.75 करोड़ का, लेकिन जो आपके सीसी अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो कितने का है, 1.25 करोड़ का ही हो रहा है, बेस्ड अपॉन द सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक। अब ये कंसोर्शियम फैसिलिटी में ना एक बैंकर तुम्हारा लीड बैंक होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई लीड बैंक होगा जो आपकी इस पूरी ट्रांजेक्शन को लीड कर रहा होगा, तो कहता है कि वहां से लीड बैंक से सर्टिफिकेट आया है और आपका बैंक लीड बैंक नहीं है, आपका बैंक मेंबर बैंक है इस कंसोर्शियम के अंदर। तो कहता है कि आपके लीड बैंक से सर्टिफिकेट आया और आपके बैंक ने क्या किया, इस एक्स लिमिटेड के अकाउंट को क्लासिफाई किया हुआ है एज अ परफॉर्मिंग एसेट। बैंक फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। अब आपको अपने व्यूज बताने हैं विच वर ब्रॉट टू योर नोटिस बाय द ऑडिट मैनेजर, राइट। तो अब आपको क्या लगता है कि बैंक की ये क्लासिफिकेशन सही है नहीं है। देखो जब अगर मैं कंसोर्शियम फैसिलिटी की बात करती हूं तो यहां पे सीधा सा रूल चलता है तू तेरा मैं मेरा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी मेंबर बैंक के पास रिकवरी हो रही है वो मेंबर उस अकाउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई करेगा, जिस मेंबर बैंक को रिकवरी नहीं हो रही है वो उसको एनपीए क्लासिफाई कर सकता है। तो यहां पे लीड बैंक तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुम इसको अपना स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई करो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब लीड बैंक तुमको नहीं बताएगा कि तुम्हें अपने एसेट की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, तुम मेंबर बैंक को तुम देखो कि तुम्हारे उस सीसी अकाउंट में रिकवरी कितनी हो रही है और एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल क्लासिफाई दिस एसेट एज द स्टैंडर्ड एसेट और एनपीए एज द केस में भी,
तो कहते हैं बैंक कंसोर्शियम मेंबर है सीसी फैसिलिटी का, सिचुएशन लिखी है इसने, 50 करोड़ की ये सीसी फैसिलिटी है जो एक्स लिमिटेड ने दी है, बैंक का शेयर है 10 करोड़ का ओनली, एंड पिछले दो क्वार्टर से डेबिट हो रहा है 1.75 करोड़ का, लेकिन क्रेडिट सिर्फ कितने का आया है 1.25 करोड़ का। समटाइम्स इसने बताया कि सेवरल बैंक फॉर्म अ ग्रुप, इसने बताया कि कंसोर्शियम होता है कि वो कंसोर्शियम बनाते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर एक लीड बैंक होता है, लीड जिसको आप कहते हो, जिसकी लीडरशिप में पूरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की जाती है, जिसको आप कहते हो लीड बैंक, एंड वो एडवांस करता है किसी लार्ज कस्टमर्स को सेम कंडीशन एंड सिक्योरिटी विद द प्रोपोर्शनेट राइट। मतलब कि बैंक के राइट क्या होंगे, कौन सा बैंक कितना शेयर वहां पे कंट्रीब्यूट करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सच अ केस ईच बैंक मे क्लासीफाई द एडवांस, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हर एक मेंबर बैंक होगा इस ग्रुप का, इस कंसोर्शियम फैसिलिटी का, वो क्लासीफाई कर सकता है इस एडवांस को, विच इज गिवन बाय इट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एक्सपीरियंस ऑफ रिकवरी एंड अदर फैक्टर्स। मतलब वो सिक्योरिटी देखेगा कितनी है, ठीक है, रिकवरी कितनी हो रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट वो अपने एसेट क्लासिफिकेशन करेगा। सिंस पिछले दो क्वार्टर से आपको दिखाई दे रहा है कि भाई पैसा आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा, तो आप एनपीए क्लासिफाई करो, एंड दस इंटरेस्ट अमाउंट शुड बी रिवर्स्ड, दिस इज डिस्पाइट द सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट अमाउंट मतलब क्या, क्योंकि वो एनपीए क्लासिफाई हो गया, तो जो अभी तक अपने अक्रूअल बेसिस पे इंटरेस्ट उसको आप रिकॉग्नाइज किया होगा, उसको भी आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। ये आप रिकॉग्निशन करोगे डिस्पाइट ऑफ द सर्टिफिकेट जो आपको मिला है लीड बैंक से, अकॉर्डिंगली अमाउंट को तुम क्या दिखाओगे, एनपीए शो करोगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये आपका कंसोर्शियम के अंदर रूल चलता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे नहीं पता कि अब आने वाले अटेम्प्ट में इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, बट आ सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अपॉइंट किए गए हो एज एन ऑडिटर ऑफ द एलसीओ बैंक विच इज अ नेशनलाइज्ड बैंक, एंड एलसीओ बैंक ऑल्सो डील्स इन प्रोवाइडिंग द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू इट्स अकाउंट होल्डर। तो बैंक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करे अपने अकाउंट होल्डर को। बैंक इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देर शुड बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ द क्रेडिट कार्ड। तो बैंक के बहुत अच्छे कंट्रोल्स है स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड को लेकर। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू इवैल्यूएट द कंट्रोल्स इन द एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। बुक के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बीइंग एन ऑडिटर जब आप इस क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन के रिलेशन में कंट्रोल्स की इवैल्यूएशन कर रहे होगे तो आपको किन एरिया की एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑडिटर यहां पे इंश्योर करेगा कि जब भी कोई आपका एप्लीकेंट आता है, कोई भी कहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, तो वो उसकी एप्लीकेशन की प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है। राइट, तो कहते हैं देयर शुड बी इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन विद रीजनेबल गुड क्रेडिट असेसमेंट। तो आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करते हो, तभी आप उसको क्रेडिट कार्ड को इश्यू करते हो। फिर कहता है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने चाहिए ओवर द स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ कार्ड, कि किसकी कस्टडी में आपके क्रेडिट कार्ड पड़े हैं। राइट, उनकी स्टोरेज को लेकर, उनके इश्यू को लेकर प्रॉपर आपके कंट्रोल्स होने चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम जहां पे मर्चेंट कंफर्म करता है स्टेटस ऑफ द अनयूटिलाइज्ड लिमिट ऑफ अ क्रेडिट कार्ड होल्डर बिफोर एक्सेप्टिंग द सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहते हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, तो जो मर्चेंट होगा, जो वहां पे शॉपकीपर है, वो क्रेडिट कार्ड से सेटलमेंट एक्सेप्ट करने से पहले वो कन्फर्म करेगा कि इस क्रेडिट कार्ड में लिमिट बची भी हुई है। मतलब देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सिस्टम जहां पे वो अनयूटिलाइज्ड लिमिट को वेरीफाई करने के बाद ही क्रेडिट कार्ड से सेटलमेंट को एक्सेप्ट करेगा इन केस अमाउंट टू बी सेटल एक्सीड अ स्पेसिफाइड परसेंटेज। और ये मोस्टली उन केसेस में होता है कि अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा, कि अगर आपकी लिमिट है तो अमाउंट जिसको तुम स्वाइप करा रहे हो वो तुम्हारी लिमिट का, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा का अगर वो बैलेंस है तो। फिर कहते हैं देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ प्रमोट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट ऑफ ऑल द सेटलमेंट एक्सेप्टेड बाय देम थ्रू द क्रेडिट कार्ड। तो जो भी आपके मर्चेंट अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेटलमेंट को एक्सेप्ट करें, बैंक को उनको प्रमोटली बेसिस पे इंटीमेट करना पड़ेगा, एंड मर्चेंट को रीइंबर्समेंट बैंक करेगा ना, तो रीइंबर्समेंट जो बैंक करेगा मर्चेंट्स को वो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही होनी चाहिए, एंड जितनी भी रीइंबर्समेंट बैंक ने करी है मर्चेंट को कस्टमर के बिहाफ पे, ऑल दोज रीइंबर्समेंट शुड बी इमीडिएटली चार्ज टू द कस्टमर्स अकाउंट। आप कस्टमर के अकाउंट को इमीडिएटली डेबिट करोगे, एंड देयर शुड बी अ सिस्टम टू इंश्योर स्टेटमेंट आर सेंट रेगुलरली टू द कस्टमर, एंड आप टाइमली उनको कस्टमर को अपनी जो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट उनको भेजोगे। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट कंट्रोल्स। आप इसको एक फ्लो के तरीके से समझो कि सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आप लेने जा रहे हो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो प्रॉपर उस एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, फिर आपको क्रेडिट कार्ड को इशू कराया जाएगा। राइट, तो उसके स्टोरेज और इशू के ऊपर कंट्रोल प्रॉपर होने चाहिए,
देर आफ्टर आप सामान खरीदने जाओगे तो फिर आप स्वाइप करोगे तो मर्चेंट तुम्हारे उस क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट तभी करेगा राइट, जब उसने अनयूटिलाइज्ड लिमिट को लेकर एक प्रॉपर वेरिफिकेशन कर ली है। एंड जो भी रीइंबर्समेंट बैंक मर्चेंट को कर रहा है वो रीइंबर्समेंट प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद होनी चाहिए और रीइंबर्समेंट को इमीडिएटली वो कस्टमर के अकाउंट में चार्ज कर देगा। एंड आगे कहता है कि ऑडिटर इंश्योर करेगा कि आप रेगुलरली कस्टमर को स्टेटमेंट भेज लो। तो सिंपल से ये पॉइंट है, आप एक फ्लो के तरीके से इसको याद करो। फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक ब्रांच। आपको क्या अपॉइंट किया गया है, कॉन्करेंट ऑडिटर अपॉइंट किया गया है किसी नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच का। मेन बिजनेस ब्रांच का क्या है, डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज। ऊपर हमने देखा ना कि कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर बहुत सारे एरियाज कवर्ड होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का उसके अंदर एक एरिया आता है। अब आपको बताना है, सजेस्ट करना है मेन एरियाज ऑफ द कवरेज विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑफ द सेड ब्रांच अंडर द कॉन्करेंट ऑडिट, कि जब कॉन्करेंट ऑडिटर अपनी ऑडिट कर रहा होगा तो वो फॉरेक्स के एरिया में किन किन एरिया की वेरिफिकेशन करेगा राइट। तो ये भी आपके बुक का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ पॉइंट्स पढ़ देती हूँ जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे राइट। सबसे पहले कहता है ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जितने भी फॉरेन उनको चेक करेगा जितने भी फॉरेन बिल नेगोशिएट हुए हैं अंडर LC। ऊपर हमने एक सिचुएशन भी तो देखी थी, वो बेल्जियम से रो डायमंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है जिसके लिए वो बैंक से LC ले रहा है। तो ऑडिटर विल चेक द फॉरेन बिल्स विच आर नेगोशिएटेड अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट राइट। फिर कहते हैं ऑडिटर चेक करेगा जितने भी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट आपके अकाउंट है एंड अदर काइंड ऑफ नॉन रेजिडेंट अकाउंट इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो भी डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं उन अकाउंट्स में दोज आर परमिसेबल। फिर कहते हैं ऑडिटर चेक करेगा कि जितना भी इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस हो रही है दोज हैव बीन प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। फिर कहते हैं ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और उन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन हो रही कैंसिलेशन, ये क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वही तुम्हारे AFM वाला, तो कहते हैं कि ऑडिटर एग्जामिन करेगा एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ये किसके लिए, फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी, और वो इंश्योर करेगा कि ये आप जब एक्सटेंशन कर रहे हो इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की या उनकी कैंसिलेशन कर रहे हैं, एक तो वो ड्यूली ऑथराइज्ड है और यहाँ पे चार्जेस बैंक लगाता है तो दोज चार्जेस हैव बीन अप्रोप्रिएटली रिकवर्ड। आगे कहते हैं ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो भी बैलेंस आपके नोस्ट्रो अकाउंट के अंदर है, ऑडिटर विल इंश्योर दैट द बैलेंस इन द नोस्ट्रो अकाउंट इन डिफरेंट करेंसीज आर विद इन द लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बैंक। तो लिमिट के अंदर आपका बैलेंस है, ऑडिटर इंश्योर करेगा जितनी भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजिशन है वो रीजनेबल होनी चाहिए राइट, कंसिडरिंग द फॉरन एक्सचेंज ऑपरेशन। ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या HO की डायरेक्शन है अबाउट द डीलिंग रूम ऑपरेशन दोज हैव बीन अदर्ड बाय द बैंक। ऑडिटर इंश्योर करेगा वेरिफिकेशन को वो जो भी आपकी जो बैंक है रिकंसिलेशन बना रहा है उसकी वेरिफिकेशन करेगा और इंश्योर करेगा वो रिकंसिलेशन किसकी, नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट की ट्रांजेक्शन की बैलेंसेज की, दैट वेरिफिकेशन इज करेक्ट, दैट रिकंसिलेशन इज करेक्ट राइट। सो दीज आर द वेरियस एरियाज दैट विल बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वाइल डूइंग द कॉन्करेंट ऑडिट। मैंने पढ़ दिए एक बार, तो ये आपके एरिया हमने डिस्कस कर रहे थे। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ये याद होंगे, नहीं भी है तो एक दो बार पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। AFM का तुम कंसेप्ट याद करो, ये सारे पॉइंट्स मोस्टली वहीं से रिलेटेड है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वाइल ऑडिटिंग द फेयर बैंक यू ऑब्जर्व दैट अ लम सम अमाउंट हैज बीन डिस्क्लोज्ड एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी कलेक्टिवली। तो आप जब ऑडिट कर रहे थे फेयर बैंक की तो आपको दिखाई दिया कि आपके बैंक ने ना कंटिंजेंट लाइबिलिटी के नाम पे एक लम सम अमाउंट दिखाया हुआ है नोस्ट्रो अकाउंट्स के अंदर। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड बाय द मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट आपसे पूछ रही है क्या कि आप हमें गाइड करो अबाउट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज फॉर द बैंक। आपको बताना है कि किन किन अमाउंट्स को बैंक को दिखाना चाहिए एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कहां पे दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, ये मैं आपके सेल्फ पे छोड़ रही हूं क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसे दिखाना चाहिए, तो थर्ड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे आपके बैंक की ये बताता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। वो कहता है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी को आप बैलेंस शीट में दिखाओगे एज अ फुटनोट, तो ये आपका डिस्क्लोजर करने का तरीका है। किन चीजों को आप डिस्क्लोज करोगे एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये आपकी डिफाइंड लिमिट है, इन आइटम्स को ही आप एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी शो करोगे ठीक है। चलो मैं पढ़ देती हूँ कौन कौन से आइटम्स हैं। सबसे पहले ऐसे क्लेम्स जो बैंक के अगेंस्ट है बट बैंक ने उसको अभी तक एज अ डेट रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब एक्चुअल लाइबिलिटी उसको नहीं माना, तो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्योंकि क्लेम अराइज हो चुके हैं पर बैंक ने उसको लाइबिलिटी नहीं माना है, तो वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी की फ्यूचर में हो सकता है कि लाइबिलिटी आ जाए।
लाइबिलिटी फॉर द पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है ठीक है, 10 रुपए की वैल्यू थी उसकी, अभी तक कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, 8 रुपए मंगवाए हैं, 8 रुपए ही आपका कोल्ड अप अमाउंट है, अभी 2 रुपए अभी कोल्ड अप नहीं हुआ, तो जो पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट है 2 रुपए वो मंगवाएगी तो आपको देने पड़ेंगे, तो ये लाइबिलिटी है, ये भी क्या हुई कंटिजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी आपके आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है राइट, तो उनके रिलेशन में जो लाइबिलिटी होगी वो भी क्या होगी आपकी, इट विल ऑल्सो बी कंटिजेंट लाइबिलिटी राइट। कोई गारंटी दी है आपने ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये भी क्या होगी आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटी, चाहे वो इन इंडिया दी है या आउटसाइड इंडिया दी है, इसके साथ ही है ये। कोई भी AEOO दैट इज एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन कंटिजेंट लाइबिलिटी है, और एनी अदर आइटम जो ऊपर वाले पॉइंट में नहीं आ रहा है जिसके लिए बैंक कंटिजेंटली लाइबल हो सकता है, मतलब फ्यूचर में जाकर जिन आइटम्स के रिलेशन में आपके बैंक की लाइबिलिटी आ सकती है उन आइटम्स को भी आप कंटिजेंट लाइबिलिटी में शो करोगे एज अ फुटनोट टू द बैलेंस शीट राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 9 कहते हैं एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव बीन अपॉइंटेड एज द कॉन्करेंट ऑडिटर फॉर द ब्रांच ऑफ इफेक्टिव बैंक लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया गया है कॉन्करेंट ऑडिटर ब्रांच का, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, 2022-23 के लिए। यू आर पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम फॉर आगरा ब्रांच, आप आगरा ब्रांच की ऑडिट टीम का हिस्सा हो ऑफ द बैंक एंड हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय योर सीनियर, और आपके सीनियर ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है क्या कि आपको वेरीफाई करना है एडवांसेस को, आपको क्या वेरीफाई करना है, कॉन्करेंट ऑडिट आप कर रहे हो किसी ब्रांच की और आपको वेरिफिकेशन करनी है एडवांसेस की, तो यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड योर असिस्टेंट अबाउट द एरियाज टू बी टेकन केयर वाइल डूइंग द वेरिफिकेशन ऑफ द एडवांसेस ड्यूरिंग द कॉन्करेंट ऑडिट। सिंपल सी बात है, जब आप एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर वेरिफिकेशन करोगे एडवांसेस की तो आपको किन पॉइंट्स की वेरिफिकेशन करनी है, आप नॉर्मली भी अगर आप कॉन्करेंट ऑडिट नहीं कर रहे हो तो भी आप जब एडवांसेस की वेरिफिकेशन करते हो मोर और लेस यही पॉइंट वहां में भी आते हैं राइट। तो इंश्योर करो क्या, शुरुआत से शुरू हो जाओ कि जब भी कोई आपसे लोन मांगने आता है राइट, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे, उसको सैंक्शन करोगे लोन को, तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जितने भी लोन एंड एडवांसेस हैं दोज हैव बीन प्रॉपरली सैंक्शनड, मतलब आप सबसे पहले उस जो आपका बोरोवर है जो आ रहा है सामने से उसको लोन देने से पहले उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हो, उसकी प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट करते हो। तो कहता है ऑडिटर विल इंश्योर कि लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन सैंक्शन प्रॉपरली, ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि जितने भी सैंक्शन हो रहे हैं दोज हैव टू बी डन एज पर द डेलीगेटेड अथॉरिटी, जिस ब्रांच के मैनेजर के पास जितना लोन सैंक्शन करने की अथॉरिटी है वो उतना ही सैंक्शन कर रहा है। तो कहते हैं ऑडिटर विल वेरीफाई वेदर द सैंक्शंस आर डन इन अकॉर्डेंस विद द डेलीगेटेड अथॉरिटी। तीसरा पॉइंट, ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो भी सिक्योरिटीज आपको रिसीव करनी चाहिए थी लोन्स को लेकर, जो भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होने चाहिए थे, लियन बननी चाहिए थी राइट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड, सिक्योरिटी प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो चुकी है बैंक के नाम पे। ऑडिटर इंश्योर करेगा कि आपने एक बार लोन को सैंक्शन कर दिया, लोन की डिसबर्समेंट होगी तो जो पोस्ट डिसबर्समेंट एंड प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए क्या वो प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है, सच एज टाइम पे स्टॉक स्टेटमेंट आ रही है, इंस्टॉलमेंट आ रही है, सही वे से आप रिन्यूअल कर रहे हो लिमिट्स का, अगर क्रेडिट एनहेंसमेंट हो रही है आप लिमिट को एनहेंस कर रहे हो तो वो भी प्रॉपर हो रहा है राइट। ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि जिस पर्पस के लिए इन लोन्स एंड एडवांसेस को दिया गया था क्या उसी पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जा रहा है, मतलब कोई भी डाइवर्जन ऑफ फंड्स नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर इंश्योर करेगा कि अगर ब्रांच ने कोई आपके एलसी इशू करे हैं दोज एलसीज आर विद इन द डेलीगेटेड पावर, तो इसने एक स्पेसिफिक आपके क्रेडिट फैसिलिटी को यहां पे मेंशन कर दिया दैट इज एलसी, एंड इंश्योर करना पड़ेगा कि दीज आर फॉर द जेन्युइन ट्रांजैक्शन, जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में वो एलसी इशू कर रहा था फॉर इंपोर्टिंग द रॉ डायमंड राइट। तो कहता है कि जो भी आपका बैंक की जो ब्रांच है वो एलसी इशू करिए वो डेलीगेटेड पावर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और राइट ट्रेड के लिए होनी चाहिए। ऑडिटर चेक करेगा जो भी बीजी बैंक इशू करा है बैंक गारंटी, यहाँ पे भी उसने एक स्पेसिफिक क्रेडिट फैसिलिटी को मेंशन कर दिया, तो कहता है कि जो भी बैंक गारंटी आपके बैंक ने इशू करी क्या वो प्रॉपरली वर्डेड है, सही आपने वर्डिंग यूज करी है, और क्या उनको प्रॉपरली आपने रिकॉर्ड किया है रजिस्टर के अंदर, एंड क्या उनका प्रॉपरली टाइम टू टाइम रिव्यू हो रहा है ऑन द ड्यू डेट, ऑडिटर प्रॉपर फॉलोअप होता है तुम्हारी ब्रांच के द्वारा या नहीं ऑफ एनी ऑफ द ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको चेक करेगा। ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जिस वे से RBI के नॉर्म्स है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस वेदर द सेम हैज बीन फॉलोड, ऑडिटर इंश्योर करेगा कि क्या प्रॉपर सबमिशन हो रही है क्लेम्स की टू द DICGC एंड ECGC बाय द बैंक, मतलब बैंक की ब्रांच
इन दी प्रॉपर वे एंड एट प्रॉपर टाइम. ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे डेलीगेटेड पावर को एक्सीड किया गया, मतलब बैंक की जो ब्रांच थी उसके मैनेजर की पावर थी कि सिर्फ 10 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकता था लेकिन उसने 15 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया. तो कहता है ऑडिटर विल वेरीफाई दैट इंस्टेंसेज ऑफ एक्सीडिंग डेलीगेटेड पावर्स दोज हैव बीन प्रोमोटली रिकॉर्डेड टू द कंट्रोलिंग या कंट्रोलिंग अथॉरिटी या हेड ऑफिस बाय द ब्रांच एंड आपने बाद में उसकी रेटिफिकेशन करा ली, उसको कंफर्म करवा लिया अपने एचओ से. तो कहता है ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, जेन्युइननेस क्या है ऑफ सच एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटीज विच आर बियॉन्ड द डेलीगेटेड पावर बाय द कंसर्न ऑफिसर. कि मतलब जहां पे आपने एक लिमिट से आगे जाके सैंक्शन किया, अपनी पावर से आगे जाके आपने सैंक्शन किया, तो उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने का रीजन क्या था, जेन्युइननेस क्या थी, राइट. तो ये आपके पॉइंट यहाँ पे आएंगे. इतने सारे पॉइंट आपको याद नहीं करते, मैंने पढ़े हैं, आप इसमें से 6 से लेकर 7 पॉइंट कोई भी आपको ईजी लगते हैं आप उनको याद कर सकते हो. मैंने हमेशा आपको ये बात बोली कि जो आपके नॉर्मल एडवांसेस के पॉइंट है वहां से जो कॉमन पॉइंट है ना, और ये जो कॉन्करेंट ऑडिट वाले पॉइंट है आप कॉमन पॉइंट निकालो, ठीक है. उस अकॉर्डिंग अगर आप याद करोगे तो ज्यादा आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन कहते हैं कि इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ स्किप बैंक लिमिटेड, आप ऑडिट कर रहे हो स्किप बैंक लिमिटेड की, यू फाउंड दैट बैंक हैड सोल्ड सर्टेन ऑफ इट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट. आपको पता लगा कि आपके बैंक ने अपने एनपीए की सेल करी है, ठीक है. बैंक अपने एनपीए को बेच भी सकता है और किसी और बैंक के एनपीए को बैंक बाय भी कर सकता है. आपको ये बताना है कि जब आप अपने ऑडिट की चेकलिस्ट बनाओगे आप किन पॉइंट्स को कंसीडर करोगे, मतलब आपके वेरिफिकेशन के पॉइंट्स क्या होंगे इन दी एरिया ऑफ सेल ऑफ एनपीए. तो डायरेक्ट ही आपका क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर से. नीचे अगर तुम आंसर देखोगे ना, तो जो बुक के अंदर आंसर है वो सेल एंड परचेज ऑफ एनपीए दोनों के पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं. ये नवंबर 2023 में आपका क्वेश्चन आया था तो मैं दोनों के पॉइंट्स को ही पढ़ूंगी. अगर सिर्फ सेल का क्वेश्चन आता है तो आप सेल के पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो. ओके तो कहते हैं सबसे पहले ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो कैसे वैल्यूएशन करते हैं, क्या किस वे से उनकी डेलीगेशन होती है पावर की, इंक्लूडिंग कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग परचेज किए जा सकते हैं, राइट. कौन कौन से ऐसे एनपीए जिनको बाय किया जा सकता है, जिनको सेल किया जा सकता है, और क्या नॉर्म्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दीज एनपीएस, क्या उनके अकाउंटिंग की पॉलिसीज हैं. तो आपका जो ऑडिटर है सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी को अंडरस्टैंड करेगा इन रिलेशन टू द परचेज एंड सेल ऑफ एनपीए. आगे कहता है ऑडिटर को इंश्योर करना है कि सिर्फ वही एनपीए बैंक सेल कर सकता है जो बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट में एटलीस्ट 2 साल तक एनपीए रहे हों, राइट. आगे कहते हैं ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जो भी आप एनपीए सेल कर रहे हो, ऑल दोज एसेट्स विच हैव बीन सोल्ड एंड परचेस्ड, कोई भी एनपीए है आप विदाउट रिकोर्स बेसिस पे ही सेल और परचेज करोगे. मतलब एंटायर क्रेडिट रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा बोरोवर के पास, मतलब परचेसिंग बैंक के पास. आगे कहते हैं सब्सिक्वेंट टू द सेल ऑफ एनपीए, जब तुमने अपने एनपीए को बेच दिया बैंक की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती. सो बैंक डू नॉट अज्यूम एनी लीगल, ऑपरेशनल और एनी अदर टाइप ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू द सोल्ड एनपीए. अब सारे के सारे रिस्क किसके पास आ जाते हैं, आपके परचेसिंग बैंक के हो जाते हैं. आगे कहते हैं एनपीए आप हमेशा कैश बेसिस पे ही सेल करोगे, कंटिंजेंट प्राइस के ऊपर आप एनपीए नहीं सेल करोगे. तो कहते हैं एनपीए हैज बीन सोल्ड एट कैश बेसिस ओनली अंडर नो सर्कमस्टांसिस, इन नो सिचुएशन एनपीए कैन बी सोल्ड टू अनदर बैंक एट अ कंटिंजेंट प्राइस. और जो भी आपकी सेल कंसिडरेशन है एनपीए की सेल को लेकर, दोज मस्ट बी रिसीव्ड ऑन अप फ्रंट बेसिस. सेल किया पैसा ले लो, बैंक उन एसेट को परचेज नहीं करेगा, एनपीए को परचेज नहीं करेगा विच हैड इट ओरिजिनली सोल्ड. इसका मतलब क्या हुआ, आपका बैंक ए है, बैंक ए ने अपने एनपीए को बेच दिया बैंक बी को, राइट. अब ये बैंक बी के अकाउंट में भी ये एनपीए ही है, तो ये बैंक बी इसको बेचना चाहता है इस एनपीए को, तो बैंक ए इसको दोबारा से बाय नहीं कर सकता. समझ में आ गया. एडिशनल पॉइंट ऑडिटर जिनको कंसिडर करेगा इन केस ऑफ सेल ऑफ एनपीए, मैंने क्या बोला कि ऊपर परचेज और सेल ऑफ एनपीए के रिलेशन में दोनों के पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप वहां पे सेल वाले पॉइंट उठा सकते हो, उसके साथ साथ जो नीचे एडिशनल पॉइंट है उनको आप लिखोगे. कहते हैं ऑडिटर इंश्योर करेगा कि जब आपका अकाउंट, मतलब जब आपका एनपीए सेल हो गया है, आपका जो सेलिंग बैंक है वो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिमूव करते हैं, क्योंकि अब आपका कोई भी उस एसेट के ऊपर राइट नहीं रहा है.
इफ द सेल इज एट अ प्राइस विच इज बिलो द नेट बुक वैल्यू, मतलब आपने अगर अपने एनपीए को लॉस पे सेल किया है तो लॉस है, तो फिर आपको जितना भी लॉस है उसको डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर प्रॉफिट पे सेल किया है तो मतलब क्या, नेट बुक वैल्यू आपकी कम की थी बट आपने उस एनपीए को ज्यादा प्राइस में बेच दिया, इन दैट सिचुएशन गेन हो रहा है, लेकिन गेन को आप क्रेडिट नहीं करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो बाकी आपके बैंक ने एनपीए सेल करे वहां पे जो शॉर्टफॉल हुआ, वहां पे जो बैंक को लॉस हुआ, उस लॉस को सेट ऑफ करोगे इस प्रॉफिट से। तो कहते हैं इफ द सेल इज फॉर द वैल्यू विच इज हायर देन द नेट बुक वैल्यू, एक्सेस प्रोविजन शैल नॉट बी रिवर्स्ड बट विल बी यूटिलाइज टू मीट द शॉर्टफॉल और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ अदर एनपीए अदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एडिशनल पॉइंट इन केस ऑफ परचेज ऑफ NPA आर गिवन एज फॉलो। तो ये परचेज वाला पॉइंट मैं पढ़ नहीं रही हूँ, चलो पढ़ देती हूँ क्योंकि मैंने दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है परचेज ऑफ NPA का, अगर आएगा सेल और परचेज में से, तो मोस्टली चांसेस परचेजेस के, क्योंकि NPA का क्वेश्चन नवंबर 2023 में आ चुका है, राइट। तो कहते हैं आप जो भी बैंक NPA को परचेज कर रहा है, दैट हैज टू बी सब्जेक्टेड टू द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट दैट इज अप्रोप्रिएट टू द क्लासिफिकेशन स्टेटस इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग बैंक। तो जब तुम NPA को बाय कर रहे हो ना, तो जो भी उसका क्लासिफिकेशन का स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी कैटेगरी में तुम उस NPA को क्लासिफाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रोविजनिंग के रिक्वायरमेंट परचेसिंग बैंक के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। एनी रिकवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द NPA परचेस्ड, आपने किसी NPA को बाय कर लिया, उस NPA में बाद में जाकर क्या हो रही है, आपको रिकवरी हो रही है, That recovery is to be first adjusting against its acquisition cost. तो जो पैसा आपको मिल रहा है वो सबसे पहले purchasing bank कहाँ से adjust करेगा, जो उसने पैसा pay किया for buying this NPA, and जो बाकी का amount है उसी को आप बचे हुए amount को आप recognize कर सकते हो as a profit, and for the purpose of capital adequacy bank assign करता है इन assets को 100% risk weights to the NPA which are being purchased. राइट मतलब जब वो अपनी कैपिटल कैपिटल एडुकेसी रेशियो को कैलकुलेट करता है ना, तो वहाँ पे आपको रिस्क वेटेड एसेट रिस्क को अपने एसेट को रिस्क असाइन करना पड़ता है, वेट असाइन करना पड़ता है, तो इनको आप 100% असाइन करते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स बनेंगे। क्वेश्चन ने सिर्फ सेल ऑफ NPA पूछा था, यहाँ पे मैंने परचेस के पॉइंट्स भी बताए हैं आपको, सेल और परचेस दोनों के पॉइंट बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन परचेस पे भी आ सकता है, सेल पे भी आ सकता है। अगर सेल पे आएगा तो सिर्फ आप सेल वाले पॉइंट लिखोगे, और परचेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो परचेस ऑफ NPA के ऊपर आप पॉइंट लिखोगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी डायरेक्टली आपके बुक में कवर किया हुआ है। कहता है बैंक बिकॉज ऑफ द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कमर्शियल एंटरप्राइजेस। बैंक के कुछ ना स्पेशल फीचर होते हैं जिसकी वजह से बैंक के ऑपरेशंस और अदर कमर्शियल एंटरप्राइजेस के ऑपरेशंस अलग अलग होते हैं, राइट। एंड हेंस ऑडिटर जब बैंक की ऑडिट करेगा ना, तो उसको कुछ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेनी पड़ेगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछता है एज एन ऑडिटर ऑफ अ बैंक, जब आप किसी भी बैंक की ऑडिट को कंडक्ट करने जाओगे, आप ये बताओ व्हाट आर द स्पेशल पेक्युलरिटीज विच मे नेसेसिएट स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन टू बी टेकन केयर बाय यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि बैंक का जो सिनेरियो होता है ना, बैंक का जो एनवायरमेंट होता है, वो बाकी आपके कमर्शियल एंटरप्राइजेस से अलग होता है, जिस वजह से ऑडिटर जब ऑडिट करता है बैंक की, तो वो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेता है। तो आपको ये बताना है कि वो क्या सिचुएशन ऐसी होती है बैंक के अंदर जिसकी वजह से ऑडिटर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन ले रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट कहता है जिस नेचर का रिस्क एसोसिएटेड होता है बैंक की ट्रांजैक्शन के साथ, वो रिस्क का नेचर अलग होता है। तो कहते हैं द पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन द बैंक, राइट, जिसकी वजह से बैंक का ऑडिटर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेता है। दूसरा, जो बैंक के ऑपरेशन का स्केल है वो बहुत ज्यादा होता है, कितनी उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है, राइट, और उस ब्रांचेस में भी कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट वो ऑफर करता है बैंक। तो कहता है द स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड बैंकिंग ऑपरेशन के साथ साथ जो उसका एक्सपोजर है, द रिजल्टेड सिग्निफिकेंट एक्सपोजर विच कैन अराइज विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होता है जिसकी वजह से एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आई तो उसका एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। आगे कहते हैं एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन IT टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन, बैंक का एंटायर ऑपरेशन IT के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको पता है जहां पे IT है वहां पे रिस्क भी होगा। फिर कहते हैं इफेक्ट ऑफ स्टैचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, हमने चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा था कि एक बैंकिंग कंपनी के ऊपर कौन कौन सी कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है, तो बिकॉज ऑफ दी
दीज स्टैचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेनी पड़ती है. एंड बैंक के जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली डेवलप हो रहे हैं, और हो सकता है कि जो रेलिवेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए आपके स्टैंडर्ड्स के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, वो नहीं हो पा रही है. तो कहते हैं द कॉन्टिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस विच मे नॉट बी मैच्ड बाय द कॉन्करेंट डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस. इवेल्युएशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू नेट बैंकिंग. बैंक बहुत ज्यादा हैविली आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड वो नेट बैंकिंग की थ्रू अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करें. मोबाइल पे आप आज बैंकिंग एप्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो फैसिलिटीज को. इससे हो क्या गया है, दीज हैव एक्सपोज्ड बैंक टू ह्यूज ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क. राइट, फिर कहता है कि ऑडिटर इन सारे जो भी ऊपर आपने चीजों को ऊपर देखा, इन सारी चीजों के इफेक्ट को कंसिडर करेगा जब वो अपने ऑडिट अप्रोच को डिजाइन कर रहा होगा. मतलब उसको कैसे अपनी बैंक की ऑडिट करनी है, तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि क्या क्या रिस्क है जो बैंकिंग ऑपरेशन की वजह से आ रहा है. वो अंडरस्टैंड करेगा कि इस बैंक के ऑपरेशन का स्केल क्या है और इसकी वजह से एक्सपोजर कितना आ रहा है. वो अंडरस्टैंड करेगा कि इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है आपका ये बैंक जिसकी वो ऑडिट कर रहा है आईटी के ऊपर, कौन कौन से स्टैच्यू, कौन कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इस बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होती है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ये बैंक ऑफर कर रहा है, किस किस वे से आपका बैंक इन प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है, मोबाइल्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, राइट, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, राइट. तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से ऑपरेशनल और आपका फाइनेंशियल रिस्क राइज हो रहा है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो अपने ऑडिट अप्रोच को डिजाइन करेगा. फिर कहते हैं इट इज इंपेरेटिव फॉर द ब्रांच ऑडिटर एंड ऑल्सो योर स्टेचुरी सेंट्रल ऑडिटर टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर ऑफर्ड बाय द बैंक. तो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका ऑडिटर हो, चाहे वो ब्रांच का ऑडिटर हो, चाहे आपका स्टेचुरी सेंट्रल ऑडिटर हो, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए जिस भी बैंक की ऑडिट वो करने जा रहा है उस बैंक में कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं एंड उनकी वजह से क्या रिस्क राइज हो रहे हैं, सो दैट वो अप्रोप्रिएटली अपना ऑडिट का प्लान बना सके उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए. फिर कहते हैं आज के एनवायरनमेंट में क्योंकि बैंक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन को यूज करें फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट ट्रांजैक्शन, तो जिससे होता क्या है, एक एप्लीकेशन से डाटा दूसरी एप्लीकेशन में फ्लो होता है. तो ऑडिटर जब अपने प्लान को डिजाइन करेगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि इंटरफेस क्या है इन एप्लीकेशन के बीच में, वट आर द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू दीज एप्लीकेशन. मतलब कंट्रोल क्या लगाए हुए आपके बैंक ने जब डाटा एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जा रहा है. सो ये कुछ पॉइंट है जो ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले इसने आपके आंसर बताया है कि क्यूज ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेनी चाहिए. फिर नीचे जो पॉइंट हमने डिस्कस करे वो बता रहा है कि क्या वो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेगा जब ऑडिटर ऑडिट करेगा बैंक की. ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहते हैं एबीसी बैंक हैड सैंक्शन क्रेडिट फैसिलिटी क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹100 लाख टू मेसर्स वॉलकार्ट लिमिटेड ऑन 1 सितंबर 2022. तो एबीसी बैंक ने एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करी है इस कंपनी को ₹100 लाख की. किस डेट पे, 1 सितंबर 2022 को. रिन्यूअल ऑफ द लिमिट वॉज ड्यू ऑन 1 सितंबर 2023 को. तो 1 सितंबर 2022 को ये सैंक्शन हुई है, इसका रिन्यूअल होना था इस लिमिट का अगले साल, एक साल के बाद, दैट इज ऑन 1 सितंबर 2023. जब वाइल डूइंग द स्टेचुरी ब्रांच ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024. तो आप ब्रांच की ऑडिट कर रहे हो, यू फाइंड दैट आपको पता लगा कि रिन्यूअल हुआ ही नहीं है अभी इसका, इवन दो 180 डेज आर ओवर. अगर 180 दिन में तुम रिन्यूअल होना है और आपने रिन्यूअल नहीं करा है तो अकाउंट एनपी हो जाता है. कहता है बैंक सेज दैट, ऑडिटर ने पूछा बैंक से कि ऐसा क्यों, तो बैंक ने बोला कि रिन्यूअल की प्रोसेस तो हमने इनिशिएट कर दी है ऑन टाइम बट मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव. कहता है हमने इनिशिएट कर दिया प्रोसेस को और ज्यादातर डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं, अकाउंट रेगुलर है, ऑर्डर के अंदर है, बैलेंस मेंटेन्ड है विद इन ड्रॉइंग पावर. मतलब सीसी लिमिट है, सब कुछ डीपी के अंदर है, कुछ भी इरेगुलरिटी नहीं है. इट ऑल्सो शोज अ लेटर फ्रॉम, कहता है फिर बैंक आपको ये भी दिखा रहा है कि देखो रिन्यूअल एक वजह से नहीं हो पाया है, और वो क्या है, उसने लेटर दिखाया आपके ब्रांच के ऑडिटर को और बोला कि ये बोरोवर है ना, इस बोरोवर के ऑडिटर की सडन डेथ हो गई है. डेथ हो गई है तो फिर ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनी है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनी है तो फिर मैं रिन्यूअल नहीं कर पा रहा हूं. तो मतलब जेन्युइन रीजन है यहां पे. तो कहता है इट ऑल्सो शोज अ लेटर फ्रॉम द वॉलकार्ट स्टेटिंग दैट ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ देयर ऑडिटर अ न्यू ऑडिटर हैड बीन अपॉइंटेड
प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट टुक सम टाइम, कहते हैं नया ऑडिटर हम अपॉइंट करें लेकिन इसके अपॉइंटमेंट में कुछ टाइम लगेगा, न्यू ऑडिटर सारी ऑडिट को दोबारा से कह रहा है और लिमिट इस वजह से अभी तक रिन्यू नहीं हुई है 31 मार्च 2024 को। हाउएवर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब आई है, अब 10 अप्रैल 2024 को आपके इस बैंक को इस कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गई एंड रिन्यूअल लेटर वॉज इशूड इमीडिएटली, मतलब जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट आई, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई मार्च के बाद आई तो ये लेटर को इशू कर दिया गया। अब आपका क्वेश्चन है यहां पे ये है दैट योर असिस्टेंट इज इंसिस्टिंग दैट अकाउंट मस्ट बी क्लासिफाइड एज एनपी, तो आपका असिस्टेंट कह रहा है कि मैं तो पढ़ के आया हूं, अगर 180 दिन हो गए हैं और अभी तक तुम्हारा रिन्यूअल नहीं हुआ है तो अकाउंट को तुम्हें एनपीए क्लासिफाई करना चाहिए, आपका ओपिनियन क्या है? बात तो सही है इसकी क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन तो यही होती है, लेकिन यहां पे तुम्हें सब्सटेंस को देखना है ओवर द फॉर्म, ये तुम्हारा आंसर है क्या कि जेन्युइन रीजन है, बैंक आपको एक लेटर दिखा रहा है और बाद में जाके रिन्यूअल हो चुका है 31 मार्च के बाद तो ये अकाउंट एनपीए क्लासिफाई नहीं होगा। तो कहते हैं एज पर द गाइडलाइन, सबसे पहले इसने सब्सटेंस को नहीं देखा, फॉर्म को देखा कि प्रोविजन क्या है। तो कहते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को तुम एनपीए क्लासिफाई कर दोगे अगर रिन्यूअल नहीं हुआ है इस अकाउंट का इन 180 डेज। However, in the present case, operation excellent है, ऊपर लिखा ना satisfactory है, DP इसकी within, जो इसकी DP के within है इसके operation, मतलब DP के within ही अपना काम कर रहे हैं। तो कहते हैं operation in the accounts are excellent, the bank has shown a letter from the company, और bank ने auditor को, आपके bank के auditor को letter दिखाया है company कंपनी से, जो उसको लेटर मिला है बोरोवर से, जो उसको लेटर मिला है कि कुछ रीजंस की वजह से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ये बोरोवर बैंक को नहीं दे पा रहा है और वो रीजन क्या था कि उसके ऑडिटर की डेथ हो गई है। तो कहते हैं फर्दर लिमिट रिन्यू हो चुकी है, आपके ऑडिटर ने रिपोर्ट को साइन नहीं किया है उससे पहले लिमिट रिन्यू हो चुकी है। तो कहते हैं दस इवन इफ द सैंक्शन वॉज इशूड, कहते हैं भले ही रिन्यूअल जो हुआ है वो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है लेकिन ये पोजीशन आपकी रिफ्लेक्टेड थी बैलेंस शीट डेट पे, तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया AS4 के अकॉर्डिंग, तो मतलब मैनेजमेंट इसका एडजस्टमेंट कर सकती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, देयरफॉर ये एडजस्टिंग इवेंट है AS4 के अकॉर्डिंग। तो कहता है इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यहाँ पे भी आपका ऑडिटर जब इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करेगा तो वो फॉर्म को देखने की बजाय सब्सटेंस को देखेगा, मैटर को देखेगा, देयरफॉर ऑडिटर इस अकाउंट को स्टैंडर्ड एसेट ही क्लासिफाई करेगा ना कि आपका एनपीए। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं यू आर ऑडिटिंग अ स्मॉल बैंक ब्रांच, स्मॉल बैंक की किसी ब्रांच की आप ऑडिट कर रहे हो। अच्छा, स्मॉल बैंक मतलब वो जो जिस बैंक की ब्रांच की आप ऑडिट कर रहे हो उसका साइज स्मॉल है, मुझे लगा नाम स्मॉल है। तो कहते हैं यू आर ऑडिटिंग अ स्मॉल बैंक ब्रांच विद अ स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ अ मैनेजर, कहते हैं छोटी ब्रांच है, क्या है वहां पे स्टाफ की स्ट्रेंथ, कहते हैं वहां पे मैनेजर है, कैशियर है एंड 3 अदर स्टाफ मेंबर है S1, S2, S3। तो मैनेजर है, कैशियर है, 3 और स्टाफ के मेंबर है S1, S2, S3। अमंग एलोकेशन ऑफ वर्क फॉर अदर एरियाज, तो कहता है कि काम की एलोकेशन हुई हुई है इन्हीं लोगों के बीच में। S1 हुई इज ऑल्सो ओपन्स ऑल द मेल, तो S1 जो बंदा है, जो स्टाफ का मेंबर है, वो आपके मेल्स को खोलता है, मतलब बैंक में जो भी मेल आते हैं उनको ओपन करता है S1 एंड फॉरवर्ड करता है इट टू द कंसर्न पर्सन। जबकि होना क्या चाहिए कि जो कंसर्न पर्सन है वही मेल को खोलेगा ना, मतलब लोन के लिए आ रहा है तो लोन का कंसर्न पर्सन उस आपके मेल को ओपन करे, यहां पे S1 ओपन कर रहा है फिर कंसर्न पर्सन को ये फॉरवर्ड कर रहा है, गलत है ना। आगे कहते हैं ही डज नॉट हैव अ सिग्नेचर बुक सो एज टू चेक द सिग्नेचर ऑन इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी ये रिसीव कर रहा है और इसके बाद सिग्नेचर बुक भी नहीं है तो ये वेरीफाई भी नहीं कर पा रहा कि जो कम्युनिकेशन आ रही है वो राइट पर्सन से आ रही है नहीं आ रही है। आगे कहते हैं दूसरा स्टाफ का मेंबर जिसका नाम है S2, ही हैज पोजेशन ऑफ ऑल द बैंक फॉर्म, तो S2 के पास बैंक के सारे फॉर्म की पोजेशन है, दैट इज उसके पास चेकबुक भी है, डिमांड ड्राफ्ट भी है, पे ऑर्डर बुक्स भी है, ट्रेवलर्स चेक, जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं बैंक में उनकी पोजेशन S2 के पास है, वो सब ठीक है, फिजिकल कस्टडी भी उसके पास है, रिकॉर्ड भी वही मेंटेन कर रहा है। तो कहता है ही मेंटेन्स द रिकॉर्ड meticulously which you have to test checked also however no one among staff regularly checks that, kehta wahi check kar raha hai uske upar koi supervision bhi hai, custody bhi uske paas aur record bhi wahi maintain kar raha hai, to yahan pe bhi issue hai, mujhe to control iske itne kharab lag rahe hain। aage kehte hai you are informed that being a small branch, aapko bataya gaya kyunki ye small branch hai with a shortage of manpower, staff यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, it is not possible to always check the work and record, कहते हैं हमेशा हम काम को चेक नहीं करते हैं, आपको अपने कमेंट देने, भाई कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा खराब है यहाँ पे।
ठीक है। तो कहते हैं बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल। क्यों आप कंट्रोल लगाते हो? एसए नंबर 315 याद करो, ताकि आप मिटिगेट कर सको रिस्क को, ताकि आप गुड गवर्नेंस को इंश्योर कर सको एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर सको। यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है ना किसी भी जगह पे कंट्रोल लगाने का, कि आप कंप्लायंस कर सको लॉ एंड रेगुलेशन के साथ, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ, रिस्क को मिटिगेट कर सको एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर कर सको। ये एग्जांपल्स हैं जो इंश्योर कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि जो कंट्रोल हैं इस स्मॉल ब्रांच के केस में वो अच्छे कंट्रोल्स नहीं हैं, कंट्रोल्स वॉयलेट हुए हैं। कौन सा? नंबर वन कहता है S1, जो सारे के S1 जो PN है, अब यहाँ पे PN है या नहीं है लिखा नहीं हुआ, बट S1 जो स्टाफ का मेंबर है वही मेल ओपन कर रहा है एंड वही फॉरवर्ड कर रहा है इसको कंसर्न पर्सन को, जबकि होना क्या चाहिए? कंसर्न पर्सन को मेल ओपन करनी चाहिए। कहता है फर्दर उसके पास तो सिग्नेचर बुक भी नहीं है कि वो चेक कर सके कि जो कम्युनिकेशंस आ रही हैं उन कम्युनिकेशंस के ऊपर साइन है या नहीं, मतलब अप्रोप्रिएट पर्सन के साइन है या नहीं, विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द जनरल कंट्रोल। तो यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है जनरल कंट्रोल का। फिर आगे कहते हैं एज मेल, मैंने क्या बताया मेल किसको खोलने चाहिए? रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को। तो कहता है मेल शुड बी ओपन्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, सिग्नेचर ऑन ऑल द लेटर्स एंड एडवाइसेस, जो आपकी कम्युनिकेशन आ रही है अदर ब्रांचेस से या कहीं और से, और इट्स कोरेस्पोंडेंस शुड बी चेक बाय एन ऑफिसर विद द सिग्नेचर बुक। तो इसकी सिग्नेचर बुक के साथ इसकी चेकिंग कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। जितने भी बैंक फॉर्म्स हैं ये भी आपके रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी में होने चाहिए एंड जो दूसरा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वो वेरीफाई करेगा इश्यूएंस एंड स्टॉक ऑफ सच स्टेशनरी, मतलब ड्यूअल कंट्रोल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे रिकॉर्ड भी वही मेंटेन कर रहा है आपका एक पर्सन और फिजिकल कस्टडी भी उसके पास है। इन दिस गिवन केस S2 के पास पोजेशन है बैंक फॉर्म्स की एंड वही रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, राइट। फर्दर कंटेंशन ऑफ बैंक, बैंक की कंटेंशन क्या है कि देखो हम तो स्मॉल ब्रांच है, हमारे पास तो मैन पावर है नहीं, तो हम तो चेक नहीं कर पाएंगे वर्क को एंड रिकॉर्ड्स को ऑन रेगुलर बेसिस, तो ये टेनेबल नहीं है क्योंकि ये क्या शो कर रहा है? इंटरनल कंट्रोल के अंदर लैप्सिस है, डेफिशिएंसी है, और अगर कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है तो बैंक के अंदर रिस्क है फ्रॉड होने का, तो इट पोजेस अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो ऑडिटर इन सारी बातों को अपनी रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करेगा। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है केस सिनेरो, और ये केस सिनेरो आपकी केस स्टडी में कवर हो चुका है। मैं आपको केस स्टडी, एक सेकेंड रुको, मैं रेफरेंस दे देती हूँ कि कौन सी केस स्टडी है। हाँ, तो ये आपकी केस स्टडी नंबर 18 है, ICI ने जो नई केस स्टडी रिलीज करी है ये है आपकी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो नाम है केस स्टडी नंबर 18 का वो है CA जुगल, और आपकी बुक के अंदर जो नाम है वो है CA मधुसन। सब कुछ सेम है, थोड़ा बहुत यहाँ पे एडवांसेस की और डिपॉजिट की फिगर में चेंज है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। तो ये आपकी केस स्टडी नंबर है 18, ये आपको मिल जाएगी YouTube के ऊपर, जो न्यू केस सिनेरियो की क्लासेस ऐड हुई हैं वहाँ पे, राइट, केस स्टडी नंबर 18 के नाम से। तो आप अभी कवर कर सकते हो जाके, पार्ट नंबर 2 के अंदर मिलेगी, दो पार्ट है उन केस स्टडीज के, पार्ट नंबर 2 के अंदर ये आपको मिलेगी वहाँ पे। मैं इस वजह से इसको यहाँ पे शायद ऐड नहीं कर पाऊँगी, इसका एक रीज़न है क्योंकि इसको ऐड करने में एडिटिंग करनी पड़ती है क्लासेस की, मतलब मुझे वहाँ से उस सेगमेंट में से वो निकालनी पड़ेगी केस स्टडी, फिर उसको यहाँ पे जॉइन करना पड़ेगा, फिर ये प्रोसेस होती है जिसको टाइम लगता है, फिर इसकी कंप्रेसिंग होती है, फिर उसमें और टाइम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं क्लिप के लिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्लासेस प्रोवाइड करनी है जल्दी, तो इस वजह से मैं इसको ऐड नहीं करूँगी। आप यूट्यूब पे जाके, क्योंकि आपको देखनी ही है वो केस स्टडी, आप इसको भले अभी ना भी कवर करोगे, वहाँ पे एट अ स्ट्रेच कवर करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको है कि नहीं मुझे पूरे चैप्टर को ख़त्म करना है अभी, तो आप वहाँ पे केस स्टडी नंबर 8 देख सकते हो, पार्ट नंबर 2 के अंदर है वो, ठीक है। सो दिस वॉज योर एंटायर चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक, लेकिन इस चैप्टर के अंदर अभी एक यूनिट बाकी है, दैट इज ऑडिट ऑफ NBFC, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।